हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या हाल है आप सभी लोगों के? सारे पापी लोग आ गए। चलिए, बहुत ही बढ़िया। अ वेरी हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। एंड आई फील सो बैड कि मैं नए दिन आपको यहाँ पे घर में सब एकदम मज़े का माहौल है और मैं आपको पढ़ाई के लिए यहाँ पर बुला रहा हूँ। हाँ जी सर, आपका नेम बहुत सही रखा है, विकास। जो आज विकास ही कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। आज लास्ट क्लास। हाँ जी, बियर्ड लुक में वापस कब आ रहे हो? जी अब बस बढ़ाता हूँ यार, मैं बस छुट्टियों का वेट कर रहा हूँ। एक बार छुट्टी आ जाए थोड़ी सी, फिर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे इन सब चीज़ों के ऊपर। चलिए, अच्छा मस्त दिख रहा हूँ। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। ओके, मजा आ जाता है आपका लेक्चर देखे, थैंक यू सो मच। छुट्टी तो नहीं रिचा, अगर तूने असली सब फालतू की बातें की ना यहाँ पे, अब भी ब्लॉक कर दूंगा तेरे को साली। क्यूट लग रहे हो रोशन। थैंक यू तारा। चलिए सो अच्छा, खैर अगेन ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड इट्स यू नो द फेस्टिव सीजन विच इज़ गोइंग ऑन। आप सब लोगों के घर पे बहुत सारे दिया बत्ती, पूजा पाठ, सब वो कार्यक्रम चल रहा होगा। इनफैक्ट इस बार एक्स्ट्रा पूजा हो रही होगी बिकॉज आपकी हफ्ते भर के बाद एग्जाम्स है ना। सो मैं बिल्कुल आपका एक्स्ट्रा टाइम नहीं लूँगा। वी विल क्विकली रन थ्रू ऑल द मंथली अपडेट्स। अच्छा, इसके मैं आपको स्पेसिफिकली नोट्स नहीं दे रहा हूँ। वाई? बिकॉज है ही कुछ नहीं। मतलब आप कोई भी मंथली अपडेट देखोगे ना तो मैक्सिमम दो पेजेस, उससे ज़्यादा कहीं पर भी नहीं है। सो किसी अपडेट में एक पेज है, किसी अपडेट में दो पेज है। सो मोटा मोटी आप ये मानना अपने को सिर्फ 10 पेज यहां पर पढ़ने, जो पोर्शन के हिसाब से बिल्कुल ज्यादा नहीं है। वी विल टेक अबाउट 1-1.5 आवर और हम लोग ये सारी की सारी चीजें खत्म कर लेंगे, है ना। सो मैं आज आपको जितनी भी ये अपडेट्स वाली बात बता रहा हूं, इसमें मैं आपको कोई एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं दूंगा, है ना। कोई हम लोग एक्स्ट्रा बहुत लंबी लंबी बातें नहीं करेंगे। बस हाँ, एक चीज जो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको आपके साइड से करनी है, विच इज व्हाट, कि एक बार ये अपडेट मैं आपको पढ़ा दूं, उसके बाद आपको हर इनफैक्ट यार आई डोंट नो आपने ये सभी लोगों ने सॉल्व किया है नहीं किया, बट आपको ना हर अपडेट में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जितने भी मंथली अपडेट है ना उसमें एमसीक्यूज दिए हुए हैं। यार मेरे हिसाब से जो मंथली अपडेट्स के क्वेश्चंस है ना, ये ऑनेस्टली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से, सो प्लीज डोंट मिस देम, ठीक है। सो जो थियोरी वाला पार्ट है वो मैं आपको यहां पर करवा रहा हूं। एमसीक्यूज इसमें जितने भी आपको दिए हुए हैं प्लीज रीड दैट, ठीक है। वो एमसीक्यूज एटलीस्ट आपको सॉल्व करने, और मुझे ऐसा लगता है मतलब अगर मैं पेपर सेट कर रहा होता सो मैं डेफिनेटली मंथली अपडेट से यहां पर जो आपको एक्स्ट्रा एमसीक्यूज दिए हुए हैं, और काफी सारे आपके बिजनेस कम्युनिकेशन के काफी सारे एमसीक्यूज हैं, वो आप जरूर सॉल्व कर लें। सिर्फ करंट अफेयर्स का नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको टेलिंग यू फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक है। सो ये जरूर सॉल्व कर लेना, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, मेरी बहुत अगर आप सभी लोगों ने सुन ली और अगर आपको समझ में आ गई, जल्दी से फटाफट फटाफट एक प्यारा सा दिल बना दो, है ना। नया दिन है। हाँ जी, क्या है सर सॉल्व? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया बहुत ही अच्छी बात है। मैराथन नहीं होगा सर, मैं काफी बार अनाउंस कर चुका हूं, उसमें कुछ लिंक दिया है नहीं। लिंक वगैरह सब रहने दो, आपको उन सब चीजों की जरूरत नहीं है, है ना। सिर्फ जो क्वेश्चंस है और जो मंथली अपडेट्स है वो पढ़ लो, काफी है। बाकी वो प्रेसिडेंस मैसेज और वो सब ठीक है, मतलब आपको रीड करना हो तो ठीक है, बट एग्जाम के हिसाब से बिल्कुल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। सो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे भाइयों बहनों, चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, तो देखते जाना। अच्छा, अब मैं एक बार थोड़ा आपको रन थ्रू कर लेते हैं सारे पेजेस। मैसेज फ्रॉम द प्रेसिडेंट, है ना। सो ये अपने आशीष भाई ने कुछ मैसेज लिखा है, एग्जाम के हिसाब से जरूरत नहीं है, आप एग्जाम के बाद भी पढ़ोगे तो इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, है ना। ठीक है, ये सब CSET, अब आपको मतलब क्या ही बताऊंगा, आपको तो ऑलरेडी पता है ये सब चीज़ें। अपने को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पढ़ना है वो ये है, ये है ना। सो मैंने नोट्स खैर आपके लिंक सारे के सारे ग्रुप पर भेज दिए थे, आई होप आपने सब चीज़ें डाउनलोड कर लिया, अगर नहीं किया तो अब कर लेना, है ना। सो ये करंट अफेयर्स, दिस इज पेज 8, है ना, ये आपके मंथली अपडेट्स का पेज 8 है, यहां पर आ जाइए आप। चलिए, टेस्ट सीरीज का मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा, है ना, वो आप चिंता मत कीजिए। टेस्ट सीरीज का अनाउंसमेंट मैं कर दूंगा,
चलिए देखते हैं जरा। अब पहला देखो, हम लोगों ने जब रेगुलर बैच हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने एनसीएलटी और एनसीएलटी के बारे में पढ़ा था। एनसीएलटी मैंने आपको बताया था कि वो बेसिकली ट्रिब्यूनल है जो कंपनी लॉ रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं वो सारे के सारे एनसीएलटी के सामने जाते हैं। मतलब अगर आपको कोई केस फाइल करना हो एज एनी पार्टी, मे बी एज अ कंपनी, एज अ शेयर होल्डर, एज अ डिबेंचर होल्डर, तो आप केस कहां पर फाइल करते हैं? एनसीएलटी के सामने केस फाइल करते हैं। अगर आपको एनसीएलटी के ऑर्डर को चैलेंज करना है तो आप जाते हैं एनसीएलटी के सामने। एनसीएलटी की जो बेंच है वो पहले कहां पर थी? दिल्ली में थी, वो अभी भी है ना, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। उसके अलावा बेसिकली एमसीए ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक और एडिशनल बेंच एस्टैब्लिश किया, एक और नई बेंच एस्टैब्लिश किया है ना। सो वो देख लेते हैं, वो बेंच कहां पर एस्टैब्लिश की? एट चेन्नई। सो जो नई बेंच है ये इन्होंने कहां पर एस्टैब्लिश किया है? एट चेन्नई। और चेन्नई की जो बेंच है ये कौन कौन से स्टेट्स के केसेस देखेगी ये भी एक बार जरा चेक कर लो। इट विल हैव ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्रा, तेलंगाना, लक्षद्वीप एंड पुदुचेरी, राइट। तो ये सारी की सारी जो स्टेट्स हैं आपके, इन सब के केसेस अब अगर अपील के फॉर्म में जाते हैं तो कौन सी एनसीएलटी के सामने जाएंगे? चेन्नई बेंच के सामने जाएंगे। अब ये दिल्ली बेंच के सामने नहीं जाएंगे। और जो आपकी दिल्ली की बेंच है दैट कंटिन्यूज टू बी द प्रिंसिपल बेंच है ना, वो आपकी कौन सी बेंच है? प्रिंसिपल बेंच रहेगी। अच्छा, ये कब से इफेक्टिव है? 18th of March 2020, फुल स्टॉप। बस इतना ही आपको पढ़ना है। क्या क्या चीज ध्यान रखनी है? सबसे पहले एक एडिशनल बेंच एनसीएलटी की एस्टैब्लिश हुई है, कहां पर हुई है? चेन्नई। उसके बाद ये स्टेट के नाम देखने, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्रा, तेलंगाना, लक्षद्वीप और पुदुचेरी, इन सभी स्टेट्स और यूटीज की, यूनियन टेरिटरीज की जो ज्यूरिसडिक्शन है वो चेन्नई बेंच के पास है। और ये कब से इफेक्टिव है? 18th of March 2020, बस खत्म। चलो आगे देखना, यस बैंक्स रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। अच्छा, पहले मैं हल्का सा 2 मिनट में आपको बैकग्राउंड बता देता हूं। अच्छा, राणा कपूर हु वॉज द प्रीवियस चेयरमैन ऑफ येस बैंक, राइट, अ लॉट ऑफ टर्मोइल, अ लॉट ऑफ मिसमैनेजमेंट हैपेंड इन द बैंक्स एंड द ऑपरेशंस ऑफ येस बैंक, राइट, काफ़ी सारी गड़बड़ हो गई उसमें, फैमिली डिस्प्यूट्स थे। सो बेसिकली राणा कपूर के, मेरे थोड़ा सा रिलेशन में मैं कच्चा हो जाता हूँ कि वो किस तरीके से रिलेटेड है, बट आप ऐसा समझना, जिनके बीच में डिस्प्यूट थी वो राणा कपूर को अंकल बोलती थी। सो मतलब राणा कपूर के भाई की बेटी, राणा कपूर के भाई की बेटी है ना। सो इनके बीच में कुछ फैमिली फ्यूड्स थे। व्हेन हिज ब्रदर, ही बेसिकली पास्ड अवे, लेफ्ट द बोर्ड, तो आपस में डिस्प्यूट चालू हो गई विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड सीट, किसके पास कितनी इक्विटी रहेगी, कंट्रोल किसके पास रहेगा, चेयरमैन कौन बनेगा, वो वहां से स्टार्ट हुआ। इवेंचुअली ये रियलाइज हुआ गवर्नमेंट को कि येस बैंक की बुक्स वर कुक्ड, मतलब जिस तरीके से आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम लोग बोलते हैं ना, इट शुड रिफ्लेक्ट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द कंपनी, वो येस बैंक के केस में नहीं था। ऑल्दो जब इस बैंक का आईपीओ आया था, इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल आईपीओज एंड वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल लिस्टिंग्स इन इंडिया। और लोग, यार आप येस बैंक का स्टॉक देखना, मतलब बिफोर इट गॉट स्प्लिट, जो मतलब लास्ट ईयर स्प्लिट हुआ था, उसके पहले द स्टॉक प्राइस वेंट टू 2,000 रुपीज। इसकी लिस्टिंग हुई 12-13 साल पहले एंड द स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 42 रुपीज। मतलब अभी समझना, 42 रुपीज का स्टॉक 2,000 रुपए का हो गया था इन लाइक 12-13 ईयर्स। सो लुक एट द मल्टीपल टाइम ऑफ रिटर्न द कंपनी हैज जनरेटेड, राइट, इन्वेस्टर वैल्यू कितनी ज्यादा आउटग्रो हुई। 42 रुपीज का स्टॉक 2,000 रुपए का हो गया था, 2,000 रुपए पे आके स्टॉक स्प्लिट हो गया। सो कंपनी बहुत अच्छी थी, बस अब फैमिली फ्यूड्स, डिस्प्यूट स्टार्ट हुए, फिर मिसमैनेजमेंट हो गया, और इवेंचुअली आरबीआई ने एक दिन ऑर्डर पास कर दिया कि राणा कपूर, हु वाज द फाउंडर ऑफ येस बैंक, ही कैन नॉट कंटिन्यू एज द चेयरमैन एंड ऑन द बोर्ड ऑफ येस बैंक। सो बस वहां से वो पंगा स्टार्ट हुआ, फिर मैनेजमेंट में इशू आने लगे, उसको चलाने के इशू आने लगे, फिर एक पॉइंट वो आया जहां पे राणा कपूर, मतलब पूरा की पूरा येस बैंक एज अ बैंक कोलैप्स हो गया, द स्टॉक प्राइस फेल डाउन, और स्टॉक प्राइस वॉज थ्रैश्ड सो बैडली। अभी इसका 12-13 रुपए, 12-15 रुपए का इसका स्टॉक प्राइस है, 2,000 रुपए का स्प्लिट होने के बाद करीब 350-400 रुपए का प्राइस था, और 400 रुपए का प्राइस आज 15 रुपए का है। सो इमेजिन द काइंड ऑफ इन्वेस्टर लॉसेज विच इन्वेस्टर सफर्ड। अनफॉर्चुनेटली आई हैव शेयर्स ऑफ येस बैंक टू, अपने कुछ 380-390 रुपीज की इसकी खरीदी है। सो अब यहां पर आप जो पढ़ रहे हो ये येस बैंक का रिकंस्ट्रक्शन स्कीम है ना, ये क्या है? दिस इज बेसिकली द रिकंस्ट्रक्शन स्कीम फॉर येस बैंक। ओके, बाय द वे, आपके हरीश भाव मथारिया है, यू वांट टू सी हिम? आज ही इज लुकिंग हॉट एंड सेक्सी एज एवर। सर एक बार जरा आके सबको दर्शन दे दो, सब इतने प्यारे प्यारे लोग हैं सर, आज छुट्टी के दिन भी आ गए सर आप, मतलब बेचारों का सैक्रिफाइस देखना। मंथली अपडेट, आपका नाम, धन्यवाद सर। सो ये अपने हरीश भाव मथारिया सर, दिवाली विश करना है इनको। अच्छा, क्या सी सेट का मंथली अपडेट ले रहे हो सर? यस यार, हाय बच्चों, गुड आफ्टरनून। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी हैप्पी दिवाली इन एडवांस, क्योंकि हमारे यहाँ तो दिवाली कल रही है, आज धनतेरस है।
भगवान करे आपको इतना धन मिले सीएस होने के बाद, इतना धन मिले कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, व्हाट्सएप मैसेज बोल रहा हूँ कि बैंक अकाउंट खोले या बैंक खोले, यस और नो। सो हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी स्टडीज बेटा। आपको दिवाली वगैरह कुछ सेलिब्रेट नहीं करना है, आपने सिर्फ पढ़ाई करना है, क्योंकि एक हफ्ते बाद आपकी एग्जाम है, पोस्ट एग्जाम हम दिवाली सेलिब्रेट करेंगे बेटा। डन, थैंक यू, हैप्पी स्टडीज यार, एंजॉय। सच में सर मानना पड़ेगा यार, मतलब आज सर छुट्टी वाले दिन कितने बच्चे हैं, क्या बात है, क्या बात है, यस बहुत बढ़िया बेटा। बेटा आप सभी पास होने वाले हो, आज ही लिख लो, बस फॉर्मेलिटी पेंडिंग है, एग्जाम आपको देना है बेटा। मतलब डेडिकेशन वाकई गजब का है यार, और सर आपका भी डेडिकेशन सर, दिवाली के दिन आप बीवी की गालियां खा के भी आज ये लेक्चर लेने आ गया, नहीं तो क्या है, अलाउ नहीं करती है भाभी। चलो बहुत बढ़िया यार, पढ़ो पढ़ो बेटा अच्छे से। अच्छा बच्चों, अक्टूबर मंथ का मैंने बुलेटिन देखा है, सिंपल सिंपल अपने उसके एक ही स्कीम के अंदर में 2-3 पॉइंट ही अपडेशन है, आप सिर्फ पढ़ भी लोगे तो समझ में आ जाएगा, बट फिर भी चिंता मत करना। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो फील फ्री टू व्हाट्सएप मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, मैंने पर्सनल नंबर भी आपको दे रखा है और ऑफिस का नंबर भी दे रखा है बेटा। डन, आधे पेज का अमेंडमेंट है बुलेटिन के अंदर में आप देखोगे तो, बाकी तो क्या करंट अफेयर्स और बाकी सब्जेक्ट विकास सर ले रहे। चलो थैंक यू, हैप्पी स्टडीज बेटा, बाय बाय। कल पूजा है भाई, कल पूजा इधर ही, सुबह स्थापना शाम को पूजा, मुहूर्त शाम का है ना, पुणे में नहीं है तू, आ रहा है ना, बस ठीक है, सुबह 7:30 बजे लगे ना। हाँ हाँ, तो भाई बहनों चलो जल्दी से आते हैं, यस बैंक्स रिकंस्ट्रक्शन स्कीम है ना, अब ये एक बार देख लेते हैं। सो बेसिकली जब मैं आपको बता रहा था कि राणा कपूर, अब जैसे रूल क्या होता है इंडिया में कि जितनी भी बैंकिंग कंपनीज होती है, बैंकिंग कंपनी के बोर्ड पर अगर कोई भी नया डायरेक्टर अपॉइंट होता है, सो दैट कैन ओनली हैपन विद द प्रायर परमिशन ऑफ आरबीआई। आरबीआई की परमिशन के बिना आप किसी भी बैंक में नए डायरेक्टर को, नई बोर्ड पोजिशन आप क्रिएट नहीं कर सकते, दैट इज कंप्लीटली डिसअलाउड, राइट। सो आरबीआई ने एक ऑर्डर पास किया कि आने वाले 2-3 महीने के अंदर राणा कपूर हैड टू रिजाइन और उनका वापस से कंपनी के बोर्ड पर रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है। सो ऑब्वियसली मैनेजमेंट के इश्यूज आ गए, कंपनी को चलाने के, उसको रन करने के, उसको एडमिनिस्टर करने के इश्यूज आ गए, बीच में ईडी की इंक्वायरी स्टार्ट हो गई, सीबीआई की इंक्वायरी स्टार्ट हो गई, एंड राणा कपूर वाज इवेंचुअली अरेस्टेड। अब जब राणा कपूर वाज अरेस्टेड, सो कंपनी का पूरा बोर्ड स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गया, और तब सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवीन्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में आई और उन्होंने पूरा के पूरा एक नया बोर्ड बेसिकली येस बैंक का बनाया, क्रिएट किया। लेट्स सी, अब ये देखते हैं जरा कि उसके बोर्ड पर कौन कौन अब नए डायरेक्टर्स अपॉइंटेड है। लेट्स हियर दिस नाउ। बड़ी झकास लग रहा है एकदम, थैंक यू देवेश। हाँ जी, सो देखते हैं जरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो ये मतलब यस बैंक के बोर्ड पर कौन कौन से नए डायरेक्टर्स है। पहला प्रशांत कुमार, हु वॉज द फॉर्मर सीईओ, फॉर्मर मतलब पहले डेप्टी एमडी ऑफ एसबीआई, विल नाउ बी द सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ यस बैंक। सेकेंड सुनील मेहता, जो पंजाब नेशनल पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, उसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे, विल नाउ बिकम द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ यस बैंक, है ना। सो सुनील मेहता बेसिकली बिकेम द चेयरमैन ऑफ यस बैंक। उसके बाद महेश कृष्णमूर्ति, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अतुल भेड़ा, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, है ना। सो ये सारे के सारे नए डायरेक्टर्स आ गए। अच्छा, अब से दूसरी एक और दिक्कत यस बैंक के केस में ये हुई कि दे वर फाइनेंशियली डिस्ट्रेस्ड, द एंटायर बैंक वॉज फाइनेंशियली डिस्ट्रेस्ड, इनके पास इतना पैसा नहीं था। सो आरबीआई एक पॉइंट पर ये रेगुलेशन लेकर आ गई कि भाई टेम्प्रेरी पीरियड के लिए जितने भी डिपॉजिट होल्डर्स हैं वो अपना पैसा यस बैंक से विड्रॉ नहीं कर सकते फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। उसका पर्पस ये नहीं था कि उनको पैसा देना नहीं है, बस ये था दे वांटेड सम न्यू इन्वेस्टर्स टू कम इन, सम न्यू बैंक्स टू कम इन, और वो यस बैंक में इन्वेस्ट करेगी। इवेंचुअली इन्होंने 10 या 11 रुपये पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, एक्सिस कॉरपोरेशन, ये जितनी भी बड़ी बड़ी बैंक्स के हम लोग नाम सुनते हैं, दे ऑल नाउ ओन अ पार्ट ऑफ यस बैंक। इन सभी की इक्विटी इन्वेस्टमेंट अब यस बैंक में है। सो अगर आप मेरे से आज पूछोगे कि यस बैंक के लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स कौन है, सो ये जितनी भी बड़ी बड़ी प्राइम बैंक है भारत की, ये सारे के सारे यस बैंक के आज प्राइम शेयर होल्डर्स है, राइट। सो अब बैंक का कंट्रोल इन सभी, मतलब यस बैंक का कंट्रोल इन सभी बैंक्स के पास है, और यस बैंक की मेजर इक्विटी भी इन सारी की सारी बैंक्स के पास आज है ना। सो ये बेसिकली रिस्ट्रक्चरिंग थी किसकी, यस बैंक की। अच्छा, पर्पस क्या है उसको रिस्ट्रक्चर करने का। सी, आपके पास एक सबसे इजी रिसोर्ट हमेशा क्या होता है, वाइंड अप, बैंक को बंद कर दो। बट जब बैंक बंद होती है
तो उससे पूरी इकोनॉमी को झटका लगता है। इतने सारे डिपॉजिट होल्डर्स हैं, इतने सारे लोगों की बैंकिंग उसके साथ होती है, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। सो आरबीआई हमेशा ये कोशिश करता है कि आप उस बैंक को बंद करने के बजाय आप उसमें रीस्ट्रक्चर कर दो। रीस्ट्रक्चर कर दो मतलब अगर मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट चेंज कर दिया, जो कि इस केस में हुआ। शेयर होल्डर्स का प्रॉब्लम है, शेयर होल्डर्स आपने इधर उधर कर दिया, मतलब उसकी होल्डिंग कंट्रोल चेंज कर दिया। अच्छा, उसके बाद बैंक में अगर पैसा ही नहीं है तो सिर्फ वही एक पॉसिबिलिटी बनती है कि जहां पर बैंक के पास पैसा नहीं है, कोई नया इन्वेस्टर आने को तैयार नहीं, तो ही हम लोग बैंक को वाइंड अप करते हैं। बाकी इंडिया में बैंकिंग की हिस्ट्री है, वी रेयरली डिसॉल्व बैंक्स। हम लोग बैंक्स को यूजली बंद नहीं करते, हम लोग उसे हमेशा रीस्ट्रक्चर करते हैं, है ना। सो ये बेसिकली ये पर्टिकुलर पॉइंट था। अच्छा, उसके बाद देखिए यहां पे आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, ये चेक कीजिए। द आरबीआई में ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर्स एज इट में डीम नेसेसरी, मतलब अगर उनको लगता है कि और ज्यादा डायरेक्टर्स की जरूरत है तो आरबीआई अपॉइंट कर सकता है। द इन्वेस्टर विथ वोटिंग राइट ऑफ 15% विल हैव द राइट टू अपॉइंट वन नॉमिनी, मतलब जो भी येस बैंक की 15% इक्विटी खरीदता है वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव कंपनी के बोर्ड पर डायरेक्टर के फॉर्म में अपॉइंट कर सकता है। मतलब इन शॉर्ट स्कीम क्या थी, 15% इक्विटी खरीदो येस बैंक की, आप अपना एक रिप्रेजेंटेटिव कंपनी के बोर्ड पर अपॉइंट कर सकते हो, राइट। आपके पास पैसे हो तो आप भी येस बैंक के 15% शेयर खरीद लो, आप भी कंपनी के डायरेक्टर बन जाओगे, फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं उसके बाद। हाँ जी, आगे देखते हैं नेक्स्ट। जल्दी से एग्जीक्यूटिव की रजिस्ट्रेशन करवानी है आपसे, सी लॉ जल्दी से पढ़ना है। अरे यू मोस्ट वेलकम। हाँ जी सर, आर डायरेक्टर्स एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स द सेम? डायरेक्टर खैर सी, जब भी हम लोग वर्ड डायरेक्टर बोलते हैं ना, डायरेक्टर ऑलवेज मीन्स अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अगर वो एग्जीक्यूटिव है तो हम लोग स्पेसिफाई करते हैं कि वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। अगर आपने सिर्फ डायरेक्टर बोला, मतलब वो बाय डिफॉल्ट इट इज प्रिज्यूम्ड दैट इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। अच्छा, अभी आपको इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, ईटी बहुत जनरल है, ये सब अपन लोग एग्जीक्यूटिव में आप आओगे ना तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ये सब चीज़ें। हाँ जी, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद इंडिया एक्सटेंड्स कोविड असिस्टेंस वर्थ $1 million अंडर सार्क इमरजेंसी फंड। अच्छा, सार्क के बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है, चैप्टर वन में हम लोगों ने सार्क के बारे में पढ़ा है। तो जितने भी सार्क नेशंस हैं, राइट, उसमें इंडिया हैपेंस टू बी द प्राइम मोस्ट नेशन, सबसे बड़ा देश अगर कोई है तो दैट इज इंडिया। सो इंडिया ने कमिट किया कि भाई जब कोविड क्राइसिस हुए तो इंडिया से बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, बहुत सारे इकोनॉमिकली पुअर देश हैं, बहुत सारे अंडर डेवलप्ड देश हैं, जिन्हें एक्चुअली में कोविड से फाइट करने के लिए दी नीडेड सम मनी। सो बेसिकली इंडिया ने कमिट किया था कि भाई कितना वो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, $1 million, राइट। सो $1 million बेसिकली इंडिया ने कुछ देशों को दिया है। कौन कौन से देशों को दिया, देखो जरा ये वाली लाइन पढ़िए। इंडिया हैज सप्लाइड वेरियस मेडिकल सप्लाईज, टेस्टिंग इक्विपमेंट एंड सैनिटाइजर्स अमंग अदर आइटम्स टू मालदीव्स, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। इन सभी देश को हम लोगों ने बेसिकली असिस्ट किया है विद रिस्पेक्ट टू द मेडिकल इक्विपमेंट्स। प्रतीक कुलकर्णी, आपने रिप्लाई नहीं दिया। सर आपका नाम मोदी भी नहीं है कि आप जैसे ही मैसेज करोगे मैं रिप्लाई करूंगा, है ना। मैं जब मैसेज देखता हूं और जब मैं फ्री होता हूं सर तब मैं रिप्लाई कर देता हूं। चलो, टोटल 1 million है कि सबका 1 million? टोटल है सर, ये टोटल है ना, जितना कॉन्ट्रीब्यूशन था वो टोटल $1 million है बेसिकली। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट और क्या है इसमें, श्रीलंका को 2 times, वेरी नाइस, श्रीलंका को 2 times। हाँ जी, आगे इस पे क्वेश्चन भी है आगे। इंडिया के पास पैसा नहीं है और दूसरों को पैसा देती है। हाँ, मैंने भी जब ये फर्स्ट टाइम पढ़ा था ना, मेरा भी सेम रिएक्शन था, अपने ही वांदे लोगों के और अपन लोग उधर, बट करना पड़ता है अनफॉर्चुनेटली बिकॉज यू आर मेंबर ऑफ ऑल दीज इंटरनेशनल ट्रीटीज। सो एज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन अपने को करना है। अच्छा, अपने पास भी बहुत सारी एड आई, वी गॉट अ लॉट ऑफ एड फ्रॉम US, वी गॉट अ लॉट ऑफ एड फ्रॉम रशिया, चाइना थू, मैंने आपको बताया था चाइना सालों ने अपन लोगों ने तो उनसे मेडिकल इक्विपमेंट्स खरीदे, पीपी किट्स अपन लोगों ने उनसे खरीदी, वो भी साली आधी डिफेक्टिव दे दी थी उन लोगों ने, तो बड़ी बदतमीज टाइप के लोग हैं। हाँ जी आगे, बट कोविड की वजह से ना एक चीज़ बहुत जेन्युइनली बहुत अच्छी हुई, इट वॉज वेरी अलार्मिंग फॉर द कंट्री एट लार्ज टू यू नो प्रमोट मेक इन इंडिया कैंपेन मोर स्ट्रांगली, मतलब एटलीस्ट उसको जो हम लोग थोड़े से लथार्जिक थे विद रिस्पेक्ट टू यू नो मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स इन इंडिया, नाउ दैट इज एक्चुअली टेकिंग अप गुड पेस। सो वो एटलीस्ट मेक इन इंडिया कैंपेन को बहुत स्ट्रेंथ मिली बिकॉज ऑफ कोविड। सो अगर आप एक जो ब्राइटर साइड देखते हो ना कोविड का कि अच्छा क्या हुआ, तो आई थिंक जो चीज़ हम लोग 4-5 साल के बाद करते ना, वी हैव अडॉप्टेड दैट इन लाइक 4-5 months। अभी मैं कहीं तो पढ़ रहा था यार कि इंडिया हैज़ अ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ अराउंड अबाउट 2-2.5 lakhs मास्क एवरी डे, 2.5 lakh मास्क अपने यहाँ पे रोज बनते हैं,
एज अगेंस्ट द कंजम्पशन, जितनी ज़रूरत है उससे 2.5 लाख मार्क्स एक्स्ट्रा बनते हैं. सो ये उसका एक अच्छा पार्ट था. सो खैर सबके अपने फायदे नुकसान है. चलो भैया आगे देखिए और क्या बाकी. कोविड की वजह से हम यस अकेडमी से कनेक्ट हो पाए. आई थिंक दैट इज़ द सेकेंड नाइस थिंग. चलिए लास्ट जनरेशन और कोई अमाउंट डॉलर में क्यों शो होता है, INR में क्यों नहीं होता. डॉलर में क्यों शो होता है, INR में क्यों नहीं होता. सर इंटरनेशनली रिकॉर्ड करेंसी बेसिकली इज़ डॉलर. मतलब हम सभी देशों ने ये एक्सेप्ट किया है कि जब भी हम लोग बेस करेंसी की बात करते हैं दैट्स ऑलवेज डॉलर. मतलब जितने भी करेंसी रेट्स जो एक्सचेंज की होते हैं वो सब डॉलर बेस्ड होते हैं. चलिए हाँ अभी अपन पढ़ लें जरा आगे. नेक्स्ट देखते हैं. कोविड 19 इकोनॉमिक रिस्पॉन्स टास्क फोर्स है ना, इकोनॉमिक रिस्पॉन्स टास्क फोर्स. अब ये एक बार जरा समझना. सेटअप टू मीट इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ द पेंडेमिक. अच्छा खैर ये तो बहुत अनसेट थॉट है कि नॉट ओनली इंडिया, आप ग्लोबली कोई भी इकोनॉमी देखना, एवरी इकोनॉमी एक्सेप्ट चाइना, दे वर द ओनली वंस हु वर एक्चुअली पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ द GDP. बाकी हर देश का GDP नेगेटिव है. इंडिया टॉप्स द लिस्ट. वी वर लाइक 23.9% नेगेटिव GDP, राइट, जो लास्ट नंबर्स आए थे जो गवर्नमेंट ने रिवील किए थे. सो अब ये किसी भी देश के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग बात यह है कि किस तरीके से आप इस इकोनॉमिक लॉस को रिकूप करते हो, मतलब इसे ख़त्म करके और वापस से बिकम पॉजिटिव, राइट, कि जहाँ पे हम लोग ग्रोथ की बात करें. अभी इंडिया में नेगेटिव ग्रोथ है. तो उसके लिए बेसिकली हम लोगों ने इस ये कमेटी का बेसिकली गठन किया, इसे फॉर्म किया, इकोनॉमिक रिस्पॉन्स टास्क फोर्स. सो देखना जरा यहाँ पे अंडर द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर. फाइनेंस मिनिस्टर पे थोड़ा सा मेरे को कॉन्फिडेंस कम रहता है, बट अंडर हर लीडरशिप वी हैव क्रिएटेड दिस इकोनॉमिक रिस्पॉन्स टास्क फोर्स की किस तरीके से अब इससे हम लोग उभर के बाहर आएंगे. अच्छा आपने खैर ये सुना होगा, वी डिक्लेयर्ड अ पैकेज विच इज लाइक 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ का हम लोगों ने इकोनॉमिक बेल आउट पैकेज रिलीज किया. अच्छा लोगों के रिएक्शंस आफ्टर दैट पैकेज वॉज डिक्लेयर्ड वॉज वेरी शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग कि भाई 20 लाख करोड़ आपने इस तरीके से बता दिया कि हमको तो कुछ मिला ही नहीं, लेकिन ठीक है सरकार ने क्लेम कर लिया हम लोगों ने 20 लाख करोड़ का इकोनॉमिक स्टिमुलस पूरे देश को दिया है. अब उसका बेनिफिट कब मिलेगा, किसको मिलेगा, किस फॉर्म में मिलेगा, ये अपने आप में एक सवाल है, पर दिया है, राइट. अच्छा खैर वो भी आई थिंक आपके मंथली अपडेट्स में है, आगे वो भी पढ़ेंगे हम लोग. सो ये जो चेंजेस अभी आपने देखे ये सारे के सारे आपके अप्रैल के मंथली अपडेट्स है ना. बस ये इतना ही है, बहुत ज़्यादा किसी में भी अपने को नहीं पढ़ना है. चलो नेक्स्ट देखते हैं. अब इसके बाद मैं मई वाला मंथली अपडेट ले रहा हूँ. अप्रैल हो गया अपना, ये आ गया मई. चलो अकाउंट में पैसे दे देना सीधा. हाँ जी चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट इसके बाद मई 2020 के मंथली अपडेट्स, लेट्स सी दिस नाउ. सो इसमें अच्छा ये मैं आपको जो पहले स्टार्ट में बता रहा था, सैंपल क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं है ना, ऑलमोस्ट हर सेक्शन के आपको सैंपल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, प्लीज रीड दिस. हाँ ये मेरे हिसाब से बहुत, आई थिंक रोचित भी सेम क्वेश्चन पूछ रहा था, यार मुझे ऐसा लगता है कि इससे क्वेश्चंस आएंगे, जो आपको यहाँ पर सैंपल क्वेश्चंस दिए ना उससे डेफिनेटली आएगा. इसलिए प्लीज़ ये अपडेट्स अच्छे से पढ़ना है ना, बहुत लास्ट मोमेंट वाली चीज़ें हैं, लेकिन प्लीज़ डू दैट. और हार्डली चार पाँच क्वेश्चंस यार, बहुत मेजर कुछ भी नहीं है यार. इसमें मेरे को क्या पढ़ाना है, इसमें एक्चुअली कुछ है नहीं करंट अफेयर्स जैसा, सिर्फ ये आत्मनिर्भर भारत अभियान. अच्छा इसको बताया नहीं उन्होंने कि ये भाई कौन से सब्जेक्ट का अपडेट है, बट एनीवे मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि आत्मनिर्भर भारत अभियान मतलब समथिंग विच इज़ वेरी लेटेस्ट. सो मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि करंट अफेयर्स का है ना, इसलिए मैं आपको इसको करंट अफेयर्स में पढ़ा रहा हूँ, ऑल्दो ये बिजनेस एनवायरमेंट का पार्ट है ना. लेकिन ये हरी सर ने मेरे ऊपर पंता डाल दिया है कि ये मेरे को पढ़ाना है, सो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है. हाँ जी और मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो अभी जितने भी लोग लाइव हैं तुम सबको तुम्हारी माँ की कसम है ना, बिल्कुल धोखा मत करना. अभी आत्मनिर्भर भारत अभियान तुमको भी पता है ना, ये बिजनेस एनवायरमेंट का पार्ट है ना. तो अब सभी लोग जितने भी बच्चे ना यहाँ पे, तुम सब हरीश सर को और ग्रुप पे कुछ, अच्छा ग्रुप तो वैसे भी म्यूट किया हुआ, तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो. सब एक एक बच्चा, एक एक बच्चा, अगर 170 बच्चे भी लाइव है और इसके अलावा जितने भी वीडियो देखते हैं शाम तक रोज 1100 स्टूडेंट्स हो जाते हैं, मैं चाहता हूं एक एक बच्चा हरी सर को पर्सनली मैसेज करे, एक एक बच्चा हरी सर को पर्सनली मैसेज करे कि सर आत्मनिर्भर भारत अभियान के ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाओ और हमारे ग्रुप पे शूट करो.
आत्मनिर्भर भारत अभियान के ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाओ, हमारे ग्रुप में डालो, ऐसा बोलना सब लोग। और जब तक हरी सर वीडियो ना डाले, हर 3 घंटे में एक मैसेज हरी सर को जाना चाहिए, है ना। सो अब किसी ने अगर धोखा दिया, मैंने तुमको कसम दे दिया, धोखा मत करना। कितने मैसेज करोगे? जितने बच्चे हैं ना सबका, और कहीं अपने को पर्सनल मैसेज। अच्छा, हम 10-12 लोग हैं सर, हम 10-12 लोगों का नेता ये है, ये कर दे। नो, पूरे 12 लोग भेजो। हाँ, चल अब मैं तुमको पढ़ा रहा हूं। ए मजाक कर रहा हूं, साले भेज मत देना, परेशान हो जाएगा आदमी। उसने पढ़ाया, मैंने पढ़ाया, एक ही बात है। वो थोड़ा ज्यादा अच्छा पढ़ाता है, मैं थोड़ा कम अच्छा पढ़ाऊंगा, लेकिन मैसेज मत करना, बेचारा बहुत परेशान हो जाएगा आदमी। चलो हाँ, तुम मैसेज करोगे ना तुमको ब्लॉक ब्लॉक कर देगा, इसलिए मैसेज मत करना। मैं चिंता मत करो, मैं पढ़ाता हूँ तुमको। हाँ जी, या देव मानुष है हरीश सर, साल हट। चलो भैया आगे देखते हैं जरा। आत्मनिर्भर भारत अभियान, अच्छा सेल्फ रिलायंट इंडिया बेसिकली, अगर जिसको इंग्लिश बहुत फैंसी लगती हो, सो सेल्फ रिलायंट इंडिया। अच्छा, इसका मेन थॉट क्या था बेसिकली, कि हम लोग जो हमारी डिपेंडेंसी है ऑन अ लॉट ऑफ फॉरेन इकोनॉमीज, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू इम्पोर्ट्स, कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग इम्पोर्ट करते हैं बाहर के देशों से, वो हम लोग बंद कर दें, और जितना ज़्यादा हो सकता है, जितनी हम लोग कोशिश करें कि जो चीज़ हम लोग इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं, राइट, हम लोग उस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट करें। इनफैक्ट जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो इंडियन गुड्स हैं, उसे हम लोग और ज़्यादा प्रमोट करें, राइट। अच्छा, गांधी जी के ज़माने में आपने खैर स्वदेशी मूवमेंट के बारे में पढ़ा होगा, आई एम श्योर। जब आपने इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है, तो उसमें स्वदेशी मूवमेंट हैड अ ग्रेट रोल टू प्ले, राइट। सेम नोट पर बेसिकली आत्मनिर्भर भारत है, बस उस वक्त हम लोग आज़ाद नहीं थे, आज हम लोग आज़ाद हैं, सो हम लोग इसके बारे में बहुत ओपनली बात कर सकते हैं, राइट। सो आत्मनिर्भर भारत बेसिकली क्या थॉट प्रमोट करता है, इट सेज कि जितना ज़्यादा आप लोकल मैन्युफैक्चरर्स को या लोकल गुड्स को प्रमोट करोगे, इतनी ही हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी दूसरे देशों के ऊपर कम हो जाएगी, और जितनी हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, राइट, मतलब हमारा करेंसी बेसिकली INR और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अभी आई थिंक थोड़ी देर पहले किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर हर चीज़ डॉलर में क्यों आती है। हर चीज़ डॉलर में इसलिए है क्योंकि डॉलर हैपन्स टू बी द मोस्ट एक्सेप्टेड करेंसी फर्स्ट, और इंटरनेशनली मतलब रिकग्निशन की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ट्रेड्स होते हैं दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू USD। सो अगर हम लोग आत्मनिर्भर भारत को और ज़्यादा स्ट्रांगली प्रमोट करेंगे, इन इंडिया हैपन्स टू बी यू नो वन ऑफ द इमर्जिंग सुपर पावर्स, तो शायद वो दिन दूर नहीं है कि जब सारे के सारे इंटरनेशनल करेंसी एक्सचेंजेस INR के बेसिस पे होने लगे। फार साइटेड बट इट इज पॉसिबल। चलिए सो देखते जरा ये, अच्छा ये कोविड के बीच में आया था, है ना। सो मतलब आई लव टू सी द रिएक्शंस। खैर आपने न्यूज़ चैनल अगर आप देखते हो तो NDTV एक तरफ जाता है और बाकी सारे न्यूज़ चैनल्स एक तरफ जाते हैं, तो एक NDTV इज लाइक एंटी मोदी एंटी BJP, और बाकी सारी के सारी चैनल्स आप देखोगे तो प्रो BJP प्रो मोदी है। तो NDTV की न्यूज़ आप देखना, जब आत्मनिर्भर भारत की बात चल रही थी तो वो NDTV वाले सिर्फ और सिर्फ वो जो ये है श्रमिक है, मजदूर है बेसिकली, उनके संघर्ष उनके स्ट्रगल बता रहे थे। 200 किलोमीटर चला है, 300 किलोमीटर चला, एक ने सूट केस के ऊपर एक बच्चे को लटकाया हुआ है और वो आगे लेके 200 किलोमीटर चल ली, और वो उस तरीके की न्यूज़ आ रही थी। तो खैर ये सब चलता रहता है, आई थिंक पॉलिटिक्स है तो सारी की सारी चीज़ें चलती है, बट जब कोविड के बीच में ये सिचुएशन आई ना, तो लोगों के लिए इट केम एज अ शॉक कि भाई हम लोग किसी और ही संघर्ष से जूझ रहे हैं और तुम लोग आत्मनिर्भर भारत की बातें कर रहे हो। सो आई थिंक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके के रिएक्शन उसमें थे, बट एनी वे ओ माई गॉड, मैं तो दूसरे की मम्मी से प्यार करता हूँ ना। मजा करे पगली। चलो अगर देखो, हाँ भैया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग हिज एड्रेस टू द नेशन ऑन 12 मई 2020 को मेंशन दैट ओवर 4 मंथ्स द ग्लोबल कम्युनिटी हैज बीन इन द फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस। अच्छा नंबर्स देखना उस वक्त क्या, ड्यूरिंग दिस पैंडमिक मोर देन 42 लाख पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में उस वक्त 42 लोग थे, अभी भारत में 87 लाख है ना। उस वक्त पूरी दुनिया में 42 लाख थे, अभी इंडिया में सिर्फ 87 लाख है, एंड 7.5 लाख पीपल डाइड ट्रेजिकली, राइट। सो ये नंबर्स थे उस वक्त, एंड लेट्स सी यू नो जस्ट इमेजिन द वे वी हैव आउटग्रोन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा आगे, अब ये नीचे इसमें सब बहुत सारी कहानी दी हुई है, बस आपको ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें, दिस विजन ऑफ इंडिया टर्निंग क्राइसिस इनटू अपॉर्चुनिटी इज गोइंग टू प्रूव इक्वली इफेक्टिव फॉर आर रिजॉल्व ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया एज द प्रोडक्शन ऑफ PPE किट्स N95 मास्क इन इंडिया
has gone up from almost being negligible to 2 lakh each on a daily basis. है ना? So, मतलब numbers zero से कहां पर आ गए. अच्छा, इसके पहले sanitizer कितने लोग यूज करते थे, ईमानदारी से लिखना. हाँ, मैं टॉयलेट के बाद हाथ धोने वाले सैनिटाइजर की बात नहीं कर रहा हूँ, उस वक्त के साबुन या तुम्हारे हैंड वॉश की बात नहीं कर रहा हूँ. सैनिटाइजर कितने लोग यूज करते थे, और मतलब मेरी गाड़ी में वो एक सैनिटाइजर रखा हुआ था. मैं तो ईमानदारी से कह रहा, तुम्हारी क्या बात करूँ, वो एक शीशी रखी हुई थी, 6 महीने 8 महीने हो गए थे, कभी खत्म ही नहीं हुई थी. और कोविड में देखो अभी आप हर हफ्ते सैनिटाइजर की एक बॉटल खत्म कर देते हैं. तो सबके आई थिंक केसेस अलग थे. ओह वाह, यहाँ पे देखो ये हमारे कुछ शोबाज दोस्त आए, साले झूठे लोग. यस यस कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के, मीमी मीमी करे, हट साले झूठे लोग. सैनिटाइजर यूज करते थे तुम सब देसी लाइफ बॉय साबुन करने यूज करने वाले लोग, सैनिटाइजर ने फालतू की बातें मत किया करो. साला झूठ बोल रहे हो. लाइफ बॉय, और वो भी 8 रुपए की बट्टी जिसमें से खुशबू नहीं आती, बदबू आती, रेड कलर का साबुन, हट साला. नाटक जबरदस्ती के. चलो तो देखो जरा आगे, की हाइलाइट्स ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन, है ना. सो बेसिकली आत्मनिर्भर भारत की हाइलाइट्स क्या क्या थे. चलो लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड दिस. द सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन एम्स टुवर्ड्स कटिंग डाउन इंपोर्ट डिपेंडेंस. सबसे पहले हम लोगों को क्या कम करना है, इंपोर्ट कम करना है अपने को, है ना. सबसे पहले अपने को क्या कम करना है, इंपोर्ट कम करना है. आगे, सेल्फ रिलायंस नीदर सिग्निफाइज एनी एक्सक्लूजनरी और आइसोलेशनिस्ट स्ट्रैटेजीज बट इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ अ हेल्पिंग हैंड टू द होल वर्ल्ड. मतलब हम लोग सिर्फ चीज़ें इंडियंस के लिए नहीं बनाएंगे, हमारी कैपेसिटी अगर अच्छी है और अगर हमारे गुड्स उस क्वालिटी के हैं, वो स्टैंडर्ड रखते, तो हम लोग उस चीज़ को एक्सपोर्ट भी करेंगे. अच्छा, इसे दो फेजेस में इन्होंने डिवाइड किया. पहला देखो जरा, फेज वन, इट विल कंसिडर सेक्टर्स लाइक मेडिकल टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक्स एंड टॉयज, ये फेज वन में करेंगे. और दूसरे फेज में देखो जरा, जेम्स इन ज्वेलरी, फार्मा एंड स्टील. तो इसे हम लोग बेसिकली दो फेजेस में करेंगे. अच्छा, क्या इससे एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, डेफिनेटली बन सकता है, है ना. फेज वन में क्या है, फेज टू में क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है. ये दो लाइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझना. स्क्रीन ब्लैक हो गई, स्क्रीन तो फर्स्ट क्लास चल रही है सर. चलो भैया आगे, फाइव पिलर्स सेल्फ रिलायंट इंडिया, उसके लिए क्या क्या. सबसे पहले देखो, इकोनॉमी, ओवरऑल इकोनॉमिक पिक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर. ये हमेशा, खैर मैंने बहुत ज़्यादा बात की इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में. इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली मतलब एड्स, जो कॉमन चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं. थर्ड, सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी. वाइब्रेंट डेमोग्राफी, वाइब्रेंट मतलब क्विकली अडैप्टिव, राइट. एंड लास्ट डिमांड, राइट. लास्ट कौन सी है, डिमांड, कि जो भी हमारी लोकल डिमांड्स है एटलीस्ट उसे हम लोग पूरी तरीके से फुलफिल कर सकें. सो ये आत्मनिर्भर भारत के बारे में था. उसके बाद यहाँ पे अब थोड़ा सा ये पढ़िए, आत्मनिर्भर भारत एंड इकोनॉमिक स्टिमुलस. जो मैं बोल रहा था ना, 20 लाख करोड़ का इकोनॉमिक पैकेज आया, देखो जरा. प्राइम मिनिस्टर अनाउंस द आत्मनिर्भर भारत अभियान विथ एन इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज वर्थ 20 लाख करोड़. बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अरुण मेरे भाई, ये सब शेयर किया हुआ है और ये आईसीएसआई की वेबसाइट पर है. व्हाट्सएप ग्रुप पर अगर आप हैं तो वहां से देख लें, अगर व्हाट्सएप ग्रुप पर आप नहीं हैं तो आप प्लीज आईसीएसआई की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें, है ना. चलो, सो कितने का पैकेज बेसिकली उन्होंने अनाउंस किया, 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया. अच्छा, ये मोदी जी तो एक बिल्कुल एक एक तीर छोड़ के निकल लिए, और उन्होंने बोला कि इसकी जो डिटेल्स है कि 20 लाख करोड़ का ब्रेकअप क्या है, कैसे कैसे जाएगा, कौन कौन से सेक्टर्स में ये पैसा बटेगा, वो सब उन्होंने निर्मला सीतारमण के ऊपर छोड़ दिया. और फिर मैं आपको जो वो हमेशा ट्रांसलेशन की बात बता रहा था ना, जल्दी से बताओ कौन है ये मिनिस्टर स्टेट फाइनेंस के लिए, मिनिस्टर स्टेट कौन है, जल्दी से बताओ. अब अगर तुमने नहीं बताया ना, मतलब खत्म हो तुम. मैं बोलता था हमेशा जो निर्मला सीतारमण जी इंग्लिश में बोलती है उसको हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं बेसिकली. जल्दी से नाम बताना, नहीं बताया ना मर गए तुम लोग आज. मैं यहीं के लेक्चर बंद करके निकल लूंगा अभी. वाह वाह, बच गए, अनुराग सिंह ठाकुर. ठीक है, चलो. ये जैसे ही मैंने क्वेश्चन पूछा ना, कुछ लोगों ने अभी फटाफट YouTube बंद किया और अपने नोट्स खोले, तभी यहां पे व्यूवर्स कम हो गए. मेरे को सब समझता है साले. हाँ जी, तो वो 3-4 फेजेस में
हमारी मैडम आई और उन्होंने सब कुछ बताया कि भाई इस तरीके से इस सेक्टर को इतने इतने बेनिफिट्स हम लोग दे रहे हैं और इसका टोटल अगर आप करते हो तो 20 लाख करोड़ का है। आगे देखो जरा, अब इसमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, या ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है वापस से एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से। द अनाउंस्ड इकोनॉमिक पैकेज इज 10% ऑफ इंडियाज जीडीपी। कितना है? 10% ऑफ इंडियाज जीडीपी, मतलब इतना कंट्रीब्यूशन हम लोग कर रहे हैं कि तो इंडिया की जीडीपी इसके हिसाब से कितनी हो गई, 2 लाख करोड़ की इंडिया की जीडीपी हो गई। और अगर आप 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस कर रहे हो तो सॉरी 2 ट्रिलियन, 2 लाख करोड़ बोल रहा हूँ, सॉरी 2 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बेसिकली इंडिया की हो गई। हाँ जी, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब ये यहाँ पर ये 5 ट्रांचेस, मतलब कौन कौन से सेक्टर्स हैं उन्हें बेनिफिट मिलेगा। यार ये दिस इज टू बी रेड, ये आपको एक बार रीड करना है, ठीक है। रिसीव्ड आईसीएमआर मिल दैट वी हैव मॉक टेस्ट ऑन 17th at 2 PM, वेरी नाइस, बधाई है, बहुत बहुत आपको। सो ये 5 ट्रांचेस में बेसिकली इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। तो उन्होंने 5 बार वो बेसिकली सारे न्यूज़ चैनल्स पर लाइव आई और उन्होंने इन सब का प्रसार किया था कि भाई क्या 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 कौन कौन से सेक्टर्स को किस तरीके से हम लोग बेनिफिट्स पास ऑन कर रहे हैं। हाँ जी, हरीश सर ना इधर गंदी गंदी हरकतें कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। इफ ही कंटिन्यूज टू डू दैट तो जो अपना पुराना वाला प्लान था वो अपन वापस से एक्टिव कर देंगे, है ना। वो मैं तुमको बताऊंगा अगर इसने वापस से ऐसी गंदी हरकत की कुछ यहाँ पे कि ऐसे पैंट खोल रहा है, जबान से ऐसे ऐसे कर रहा है, टेढ़ी आँख करके ऐसे वो एकदम मदहोश चेहरे बना रहा है, तो अगर इसने ऐसा कुछ किया तो मैं तुमको बता दूंगा, अपन अपना पुराना प्लान वापस से एक्टिव कर लेंगे। अभी कुछ मत करना, अभी अपन सिर्फ इसको अटका के रखते हैं। कुछ भी इसने किया ना तो अपन इमीडिएटली कर देंगे, है ना। चलो भैया, सो ये 5 चीज़ें आपको पढ़नी कि कौन से ट्रांच में कौन से सेक्टर्स को बेनिफिट मिला, है ना। इससे जो क्वेश्चन बनता है किस कैसे कैसे बेनिफिट मिलेगा आपको, कौन से ट्रांच में कौन से सेक्टर को बेनिफिट मिला, वो यहां से आपको पता चलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। सो ये हम लोगों ने मई के अपडेट्स पढ़े, अच्छा मई में इतना ही था, हाँ भैया खत्म हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं जून के अपडेट्स। मैं इसलिए तुमको बोला था लास्ट में कर लेंगे अपन, बहुत छोटा सा है, इसमें कुछ बहुत स्ट्रेस जैसा नहीं है। चलो भैया आ जाओ जून के अपडेट्स पे, यहां पर आप आ जाइए पेज 17। मिस्टर शाह मेरा है भाई 1-1.5 घंटा आराम से। थैंक यू, बाय, वापस आ जाना। लेकिन चलो भैया आगे देखें नेक्स्ट। या अब ये हम लोग पढ़ रहे हैं जून के अपडेट्स, है ना। ये कौन से अपडेट्स हैं? बेसिकली ये जून 2020 के अपडेट्स हैं। ओ भाई ये मेरे नोट्स नहीं है, या इसी तरह ने जो आपको मंथली अपडेट दी वो मैं एज इट इज उससे ही पढ़ा रहा हूँ, इसके लिए नोट्स की जरूरत नहीं, बिकॉज एक एक दो दो पेजेस हैं, आप यहीं से पढ़ लोगे बेटर है। और ये पढ़ोगे ना इस बहाने तुमको ऊपर नीचे क्या क्या लिखा हुआ है वो भी तुमको दिखेगा। सो प्लीज़ ये पढ़ना जरूर, नवंबर अटेम्प्ट वालों के लिए सारी की सारी चीज़ें एप्लीकेबल है, ठीक है। चलो, रिजर्व बैंक कॉन्स्टिट्यूटेड एन इंटरनल वर्किंग ग्रुप टू रिव्यू एक्सटेंट ओनरशिप गाइडलाइंस एंड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर फॉर इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। किसके लिए? बेसिकली इंटरनल वर्किंग ग्रुप बनाया, इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। अच्छा ना, अब मैं इसका ना थोड़ा सा पहले आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ, बाकी ये सब पूरी हार्डकोर थ्योरी है, इसमें ऐसे कुछ बहुत लॉजिक या कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं आपको सिर्फ इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ एग्जैक्टली क्या है। सी व्हाट डू मीन बाय ओनरशिप स्ट्रक्चर। अब अपने यहाँ पे आप ऐसे अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करते हो तो HDFC प्राइवेट सेक्टर बैंक है, आपका ICICI बैंक इज अ प्राइवेट सेक्टर बैंक, येस बैंक का अब खैर थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज हो गया। तो वी हैव अ लॉट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एज वेल एज अ लॉट ऑफ नेशनलाइज बैंक्स, गवर्नमेंट PSUs अपने यहाँ पर काफ़ी सारे हैं। अब क्या होता है कि जैसे देर आर ग्रेट चांसेस कि बैंक में भी कुछ स्ट्रक्चर को लेकर या फिर यूटिलिटी ऑफ मनी को लेकर, सबसे ज़्यादा पैसा बैंकों के पास ही है भारत में आज की डेट में, राइट, सबसे ज़्यादा पैसा ही बैंक्स के पास है। तो हो सकता है कि इन बैंक्स में किसी तरीके का मिसमैनेजमेंट चल रहा हो। अब जैसे
एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊं, आईसीआईसी बैंक, वेरी क्लासिक एग्जाम्पल। आईसीआईसी बैंक की पुरानी सीईओ वाज चंदा कोचर, है ना। चंदा कोचर की कभी आप हिस्ट्री पढ़ना, शी स्टार्टेड हर करियर वर्किंग विद आईसीआईसी बैंक, सो शी वाज अ मैनेजमेंट ट्रेनी। सो फ्रॉम मैनेजमेंट ट्रेनी शी बिकेम द सीईओ ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑफ दिस कंट्री। उस वक्त आईसीआईसी नंबर वन था, अभी एचडीएफसी है। सो ये उनकी जर्नी रही है। अच्छा, अब उनके हस्बैंड दीपक कोचर, जिनकी एक रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनी थी, वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज, बेसिकली वेणुगोपाल धूत, है ना, वीडियोकॉन का खैर नाम आपने सुना ही होगा, बहुत पॉपुलर ब्रांड है भारत में। तो अब वीडियोकॉन को बेसिकली, और ये जो इनके चंदा कोचर के हस्बैंड थे बेसिकली दीपक कोचर, वो और वेणुगोपाल धूत काफ़ी सारे बिजनेस एक्टिविटीज साथ में करते हैं, दे हैव बीन पार्टनर्स इन अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज। सो बिकॉज उस इन्फ्लुएंस की वजह से आईसीआईसीआई बैंक ने वेणुगोपाल धूत को, मतलब वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज को, काफ़ी सारे ऐसे लोन दिए जो उनको नहीं देने चाहिए थे। मतलब बैंक्स का एक प्रोसेस होता है कि जब आप बड़े बड़े लोन 2000 करोड़, 3000 करोड़ इस तरीके के लोन देते हो, तो बैंक की एक कमेटी होती है जो उस लोन को अप्रूव करती है, और उसके बाद ही फिर आप लोन आगे देते हो। सो आईसीआईसीआई बैंक ने बिना वो सब अप्रूवल्स लिए इतने बड़े बड़े लोन दे दिए। तो एक शेयर होल्डर था आईसीआईसीआई बैंक का, उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक की एनुअल रिपोर्ट पढ़ी, और रिपोर्ट पढ़ के उन्होंने सीधे केस फाइल कर दिया आईसीआईसीआई बैंक के अगेंस्ट कि आईसीआईसीआई बैंक के बिजनेस अफेयर्स आर मिसमैनेज्ड। मतलब बिना बैंक के अप्रूवल के, जो कोर कमेटी होती है उनके अप्रूवल के, आईसीआईसीआई बैंक इतना बड़ा लोन वीडियोकॉन ग्रुप को कैसे दे सकती है, जो ऑलरेडी लॉस मेकिंग है, जो कंपनी इवेंचुअली वाइंड अप हो सकती है। वीडियोकॉन इज इनटू वेरी हैवी लॉसेस, पूरा ग्रुप इनफैक्ट इज इनटू हैवी लॉसेस, तो उसको इतना बड़ा लोन कैसे दे सकती है। इन्वेस्टिगेशन हुआ, एंड ऑन इन्वेस्टिगेशन गवर्नमेंट को ये रियलाइज हुआ कि आईसीआईसीआई बैंक ने एक्चुअली बिना अप्रूवल के इतना बड़ा लोन ट्रांजैक्शन कर दिया, 1700-1800 करोड़ का लोन ट्रांजैक्शन था। इमीडिएटली आरबीआई का ऑर्डर आया, एंड उन्होंने चंदा कोचर को ऑर्डर दिया कि यू हैव टू स्टेप डाउन फ्रॉम द बोर्ड, आपको कंपनी का बोर्ड छोड़ना पड़ेगा, राइट। बस ये जब थॉट हुआ ना, तो इससे आरबीआई को ये रियलाइज हुआ कि ऐसे बैंक्स में काफी ज्यादा इंटरनल कंट्रोल्स की जरूरत है, राइट। अच्छा, हमारा सबसे ज्यादा बिलीफ बैंकिंग सिस्टम के ऊपर है, आपके बैंक लॉकर्स होते हैं, आपकी डिपॉजिट्स होती है, आपका एक्स्ट्रा कैश होता है, सब बैंक के पास ही रखा होता है, और अगर बैंक में ही मिसमैनेजमेंट हो जाए तो आप सोचना छोटे छोटे लोगों का, हमारे जैसे लोगों का कितना नुकसान हो सकता है। तो ये सारी सारी चीजें ध्यान में रखते हुए बेसिकली आरबीआई ने इंस्ट्रक्ट किया, उन्होंने अपनी एक आरबीआई की कमेटी बनाई, जो कमेटी क्या करेगी, इन सब बैंक्स का ओनरशिप स्ट्रक्चर समझेगी कि भाई कितनी ओनरशिप प्रमोटर्स के पास है, कितनी ओनरशिप जनरल पब्लिक के पास है, और उसके ऊपर गाइडलाइंस बनाएगी, उसके ऊपर रूल्स रेगुलेशंस बनाएगी कि बैंक का अल्टीमेट कंट्रोल किसके पास होना चाहिए, बैंक का अल्टीमेट कंट्रोल किसके पास होना चाहिए, सो दैट इस तरीके की बैंक्स में कोई फ्रॉड या कोई स्कैम ना हो। अच्छा, वॉज आईसीआईसीआई द ओनली बैंक इन इंडिया जिसमें बहुत सारा गड़बड़ हुई? नहीं, आईसीआईसीआई बैंक है, यस बैंक है, इनफैक्ट गवर्नमेंट की खुद की बैंक्स आप देख लो यार, पंजाब नेशनल बैंक में इतना ऊपर नीचे हुआ, SBI, IDBI, जिन्होंने बड़े बड़े लोन्स किंगफिशर एयरलाइंस को दिए थे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ही अफेक्ट हुई, पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी अफेक्ट हुई, बट पब्लिक सेक्टर के ऊपर आज भी गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा है, इनफैक्ट अब और बढ़ गया है ना। सो बस ये इन्होंने किसके लिए बनाया, स्पेसिफिकली किसके लिए बनाया, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए बनाया। आई होप एटलीस्ट ये थॉट आपको समझ में आएंगे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, है ना। इस एवरीवन विथ मी, और जो इतने अभी मैंने आपको आईसीआईसीआई बैंक की छोटी सी कहानी बनाई, ऑब्वियसली मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, उसकी अभी जरूरत नहीं है। सो आई होप आपको समझ में आया कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, है ना। चलिए, सो आगे देखते हैं इसमें। सो आरबीआई हैज सेट अप अ 5-member इंटरनल वर्किंग ग्रुप हेडेड बाय इट्स सेंट्रल बोर्ड डायरेक्टर प्रसन्ना कुमार मोहंती टू रिव्यू ओनरशिप गाइडलाइंस एंड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर फॉर प्राइवेट बैंक्स, है ना। सो उनके कंट्रोल के लिए कि बेसिकली प्राइवेट बैंक्स की ओनरशिप स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए, उसके लिए उन्होंने ये एक इंटरनल मैनेजमेंट कमिटी बनाई, ठीक है। और उन्होंने सारे के सारे मुद्दे, सारे इश्यूज डिस्कस किए। दिस इज टू बी रेड, इसको सिर्फ एक बार आपको रीड करना है, प्लीज दिमाग मत लगाना उसके अलावा, है ना। मतलब वेरी अनलाइकली कोई क्वेश्चन आने के, बट रीड जरूर करना, है ना। इसमें एक जिससे क्वेश्चन आ सकता है वो ये है कि किसकी चेयरमैनशिप में आपने बनाया, प्रसन्ना कुमार मोहंती, इनकी चेयरमैनशिप ने बेसिकली आरबीआई ने ये कोर कमिटी बनाई है फॉर ऑल द प्राइवेट बैंक्स, ऑल द प्राइवेट बैंक्स। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, दूसरी अपडेट जो इसमें दी हुई है वो आपको, फॉर्मर नासा एस्ट्रोनॉट एंड जियोलॉजिस्ट कैथरीन डी सुलिवन, सो ये नासा की एक बेसिकली एस्ट्रोनॉट है ना, फॉर्मर मतलब अब नासा का पार्ट नहीं है, बिकम्स फर्स्ट वुमन टू रीच डीपेस्ट पॉइंट ऑफ ओशन। प्लीज अभी मेरे से मत पूछना कि डीपेस्ट पॉइंट ऑफ ओशन क्या होता है, मैं जब ये अपडेट पढ़ रहा था तो मैंने कोशिश की कि एक बार इसको समझते हैं,
सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था, बट फिर मैंने सोचा कि इसको अगर आपको मुझे इमेजिन करके समझाना पड़ेगा तो बहुत टफ है ना। तो आप बस इसको कैसे ध्यान रखना, बहुत अच्छा तरीका आपको इसका बताता हूँ मैं। वो जैसे जो पुरानी ये मिथोलॉजिकल सीरियल्स चलती है ना अपने यहाँ पे, रामायण है, महाभारत है, जय गंगा मैया, जय हनुमान, ओम नमः शिवाय, इस तरीके की, तो उसमें देखना बहुत बार आपको ऐसे बताते हैं ना कि वो, इनफैक्ट समुद्र मंथन में भी ये बताया हुआ है कि वो पानी के अंदर जाते हैं, तो पानी के अंदर डीप विद इन इतना ज़्यादा चले जाते हैं दैट दे रीच द डीपेस्ट पॉइंट। बस यही इमेजिन करना, इससे अच्छे तरीके से मैं तुमको नहीं समझा सकता हूँ। आई होप तुमको ये बात समझ में आ गई है ना। केबीसी में पूछा था एक यार, केबीसी में जो वो लेडी से पूछा था ना 1 करोड़ का क्वेश्चन, वो ये नहीं था। वो मैं भी वो शायद प्रोग्राम देख रहा था, वो 1 करोड़ वाला जो क्वेश्चन था ना वो ये था कि कौन से ग्रीक गॉड के नाम पर है ना, कौन से ग्रीक गॉड के नाम पर बेसिकली यूएस अपनी वो क्या बोलते हैं ये स्पेस क्राफ्ट, स्पेसशिप बेसिकली लॉन्च कर रहा है, विच इज बाय द नेम ऑफ अ ग्रीक गॉड। वो आई थिंक 1 करोड़ वाला क्वेश्चन था जो मैं उस वक्त सुन रहा था, जितना मेरे को याद है। हाँ जी, अच्छा हाँ, 50,000 वाला क्वेश्चन जरूर हो सकता है, मैंने तो वो 1 करोड़ वाला क्वेश्चन सुना था जिसका आंसर मेरे को आता था। शिट, कोई बात नहीं। हाँ जी, देखते हैं जरा। यस एकेडमी फैन पेज, ये कौन बदतमीज है, ये तो अपने ऑफिस वाला भी नहीं है। एनीवे चलो जो भी हो। देखो जरा, ये जो सुलिवन दीदी है, हाँ, शी बिकेम द फर्स्ट अमेरिकन वुमन टू वॉक इन स्पेस इन 1984 मिशन, है ना। सो कब 1984 मिशन ऑन द स्पेस शटल चैलेंजर एंड लेफ्ट एंड लेटर लेफ्ट नासा टू बिकम द एडमिनिस्ट्रेटर एट द नेशनल ओशनिक एंड एटमोस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। व्हाट इज दिस डिपार्टमेंट, व्हाट दे डू, मेरे को नहीं पता। पानी में जंप लगाते हैं और कुछ तो करते हैं पानी के अंदर, क्या करते हैं वो अपने को एग्जैक्टली नहीं पता। वी आर फैंस ऑफ यू सर। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद सर, वैसे मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोग कौन हैं। चलिए आगे देखते हैं। द एक्सपेडिशन टुक अराउंड 10 आवर्स टू रीच द चैलेंजर्स डीप वेद द प्रेशर इज अराउंड 8 टन्स पर स्क्वेयर इंच। आई एम जस्ट इमेजिन द नंबर, 8 टन्स पर स्क्वेयर इंच, इतना प्रेशर होगा। वो फोर्स क्या होगा आप फील नहीं कर सकते हो यहाँ पे बैठ के, समझ लो। बस ये ध्यान रखना है आपको एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, 8 टन्स पर स्क्वायर इंच। और दीदी का नाम आपको याद रखना, कैथरीन डी सुलिवन, है ना, शी इज बिकम द फर्स्ट वुमेन। हाँ जी, आपको सब केबीसी का क्वेश्चन आंसर आते होंगे, सही में नहीं आते यार, सही में नहीं। आई वॉच इट विथ माई मदर, मेरी मम्मी को बहुत पसंद है केबीसी, तो मैं और मम्मी खेलते रहते हैं हमेशा, मतलब जैसे ही क्वेश्चन आता है ना, सो वी ट्राई एंड आंसर दोज क्वेश्चंस। मतलब अभी मेरे को वैसे नहीं बताना चाहिए तुम लोगों को इस पॉइंट पे, वरना तुम्हारा मेरे ऊपर से विश्वास उड़ जाएगा। बट ट्रस्ट मी, द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स विच माई मदर गिव्स आर मोर देन वॉट आई डू, तो माई जनरल नॉलेज नॉट दैट ग्रेट। हाँ ऑफकोर्स, मेरे फील्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वो अपन 100% श्योर होते हैं, बट वो बहुत ही भलते भलते कुछ क्वेश्चन पूछते हैं यार, वो अपने को कभी उन चीज़ों के बारे में आज तक कभी पढ़ा सुना ही नहीं है। एंड मोर टू डू विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, मतलब मेरे को आता ही नहीं है, बट मम्मी के आंसर सही आ जाते हैं। और आई थिंक वो एक फीमेल्स का इंट्यूशन भी होता है, यू नो पर्टिकुलरली विद मदर्स, तो कुछ उनके लॉजिकली सही आते हैं और कुछ उनके नॉलेज वे वाइज बहुत सही आंसर्स आते हैं। तो आई थिंक शी कैन, अगर मैं मतलब केबीसी में 25 लाख जीत सकता हूँ, शी टोटली डिजर्व्स अ 7 करोड़ डेफिनेटली। हाँ जी चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, आरबीआई बार्स पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक। अच्छा, हम लोगों ने अपने रेगुलर बैच में पीएमसी बैंक के बारे में पढ़ा था, है ना, पीएमसी बैंक के बारे में पढ़ा था। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली किसकी बात करें, यहाँ पे हम लोग पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक की बात करें, किस चीज़ से, फ्रॉम ग्रांटिंग फ्रेश लोन्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फॉर 6 मंथ्स। सो 6 महीने के लिए आरबीआई ने ये कानपुर बेस्ड बैंक को किसी भी तरीके के बैंकिंग ट्रांजेक्शन करने से बैन कर दिया, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं। देखो जरा, द बैंक इज बार्ड फ्रॉम सेलिंग, ट्रांसफरिंग और डिस्पोजिंग एनी ऑफ द प्रॉपर्टीज और इट्स एसेट्स। कितने टाइम पीरियड के लिए, 6 महीनों के लिए। नो विड्रॉल ऑफ अमाउंट अक्रॉस ऑल सेविंग्स अकाउंट्स और करंट अकाउंट्स और एनी अदर अकाउंट ऑफ अ डिपॉजिटर विल बी अलाउड फ्रॉम द कोऑपरेटिव बैंक। हाँ जी, ऑप्शन बी ज्यादा आंसर होगा, ये आपको सूरज सर ने बताया होगा, ऑप्शन बी वाला। तो सूरज सर ने उसका मेरे को लॉजिक भी बताया था। हाँ जी चलिए आगे देखें। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। गवर्नमेंट चेंजेस पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स
मोर प्रेफरेंस टू लोकल सप्लायर्स, पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स, मतलब बेसिकली आम चीज़ों की सप्लाई के लिए जो भी सरकार की निजी ज़रूरतें होती है, राइट, मतलब डोमेस्टिक नीड्स होती है गवर्नमेंट की, वो उसमें अब ये प्रेफर करेंगे लोकल वेंडर्स को एज कम्पेयर टू फॉरेन कंपनीज और फॉरेन एंटिटीज विच आर ऑपरेटिंग इन इंडिया, है ना. सो हम लोग बेसिकली लोकल वेंडर्स को प्रमोट करेंगे, प्रेफरेंस देंगे. अच्छा, जैसे पहले कार्स आप देखना, अभी जैसे वी यूज़ अ लॉट ऑफ लैंड रोवर्स, अ लॉट ऑफ रेंज रोवर्स हम लोग यूज़ करते हैं. इसके पहले अगर आप देखते तो जितनी भी ये गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स होते थे उनके लिए एम्बेसडर होती थी, राइट. फिर बाद में फियाट की गाड़ी आने लगी और उसके बाद फिर अब लैंड रोवर, रेंज रोवर बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं. तो समन बेसिकली ट्वीटेड कि भाई रेंज रोवर इज़ अ फॉरेन ब्रांड, तुम वो क्यों यूज़ कर रहे हो. अनफॉर्चुनेटली रेंज रोवर नाउ हैपन्स टू बी एन इंडियन ब्रांड, मतलब उसका जो अल्टीमेट कंट्रोल है दैट्स विथ टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज, राइट. सो वो टाटा मोटर्स की ही सब्सिडरी है बेसिकली. सो ठीक है, मतलब प्रेफरेंस वाली बात है. हाँ जी, आगे. सर लॉजिक बता दो ना. किसका लॉजिक बताऊँ सर, लोगों को बता दीजिए ना कि लॉजिक भी होने का. सुन लिया तो चेंज कर देंगे, पब्लिक में मत बोलो. आई डोंट नो किसके लॉजिक की बात कर रहे हो. चलो एनीवे, इधर देखो जरा. सो इन ऑर्डर टू प्रमोट मेक इन इंडिया एंड टू मेक कंट्री सेल्फ रिलायंट, द गवर्नमेंट हैज मॉडिफाइड पब्लिक प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स टू गिव मैक्सिमम प्रेफरेंस टू कंपनीज हुज गुड्स एंड सर्विसेज हैव 50% और मोर ऑफ द लोकल कंटेंट, है ना. मतलब मैक्सिमम कंटेंट बेसिकली किसका होगा, आपका लोकल कंटेंट, मतलब लोकल मैन्युफैक्चरर्स होंगे. इसमें एक और चीज़ आपको क्या पढ़नी है, या ये पढ़ लो, क्लास वन लोकल सप्लायर्स विल गेट द मोस्ट प्रेफरेंस इन ऑल गवर्नमेंट परचेजेस बिकॉज देयर डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन इज 50% और मोर, और क्लास टू मोर देन 20% बट अप टू 50%. सो बेसिकली सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस क्लास वन को दोगे, बाद में आप क्लास टू को दोगे. क्लास वन कौन सी होती है, जिसमें 50% से ज़्यादा चीज़ें जो इंग्रेडिएंट्स, राइट, या जो रॉ मटेरियल हम लोगों ने यूज़ किया वो इंडियन है. और क्लास टू वाले कौन से सप्लायर्स होंगे या मैन्युफैक्चरर्स होंगे जिसमें 20-50% तक चीजें हम लोगों ने भारत की ही यूज की होगी, राइट. सो उन्हें अब ज्यादा प्रेफरेंस होगा. खत्म, दैट्स ऑल. सो ये आपका जून का मंथली अपडेट वाला बेसिकली पार्ट था. आगे देखते हैं उसके बाद. नाउ वी विल पिक अप जुलाई. अच्छा, ऑप्शन बी का लॉजिक यार मेरे को नहीं याद आ रहा अभी, तुम अभी वो सब बातें मत करो, अभी साले पहले पढ़ाई करते अपन लोग. इधर उधर की बातें, कोई टॉपिक आया नहीं और तुमको ऐसा मजा आता है ना साले पापियों. सर जैन अटेम्प्ट के लिए भी सारे बुलेटिन, हाँ जी बिल्कुल करने हैं, जैन अटेम्प्ट के लिए सारे ही बुलेटिन करने हैं. जैन के लिए आपको नवंबर और दिसंबर वाला बुलेटिन एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, बट ये सब तो करने ही करने हैं. चलो भैया, अब ये जुलाई का बुलेटिन है, इसमें आ जाइए पेज 9 पर. ये भैया आ जाओ. अच्छा, ये काफी सिंपल है एक्चुअली, इसमें काफी सारे वर्ड्स ऐसे जो आपने ऑलरेडी सुने हुए हैं. लेट्स हियर देम आउट नाउ. Key decisions taken by cabinet in meeting held on 8th of July 2020. So 8 जुलाई को जो मीटिंग हुई उसमें क्या क्या decisions लिए गए, चेक करना. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, है ना. सो बेसिकली आपने पढ़ा था ना, खैर रामविलास पासवान जी हु अनफॉर्चुनेटली पास्ड अवे, उन्होंने काफ़ी सारे पब्लिक स्टेटमेंट्स इसके बाद में बारे में दिए थे आफ्टर मोदी जी. तो ही केम टू ऑल द न्यूज़ चैनल्स लाइव और बेसिकली उन्होंने बताया था कि कितना गवर्नमेंट के पास फूड रिजर्व है. तो 5 महीने तक हम लोगों ने फ्री में सभी गरीबों को खाना खिलाना है, ऐसा बेसिकली हम लोगों ने अप्रूवल बेसिकली पास किया था. कब से, जुलाई से नवंबर 2020 तक, है ना, 5 महीने का. अच्छा, सो ये बस ये इसमें इतना ही है, बाकी कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है. कैपिटल इन्फ्यूजन फॉर द 3 पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज. व्हाट डू मीन बाय जनरल इंश्योरेंस, इंश्योरेंस हम लोग 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, फर्स्ट एज लाइफ, सेकेंड एज जनरल. लाइफ मतलब लिविंग के लिए, जनरल मतलब नॉन लिविंग के लिए, राइट. सो जनरल इंश्योरेंस, 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में बेसिकली फंड इन्फ्यूजन की बात चल रही है. कौन कौन सी कंपनीज का नाम देख लो जरा, कहाँ गया ये कंपनीज का नाम आपका, ओरिएंटल, नेशनल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया. खैर आपने नाम इन सभी के सुने होंगे, वेरी पॉपुलर ब्रांड्स इन इंडिया. सो इन तीनों कंपनीज में बेसिकली सरकार, गवर्नमेंट क्या करेगी, फंड्स इन्फ्यूज करेगी, ठीक है. हाँ जी, कितना कितना करेगी ये देख लो जरा यहाँ पर. तो टोटल अमाउंट आपको बताया हुआ कितना, 12,450 करोड़, है ना. सो ये इतना फंड इन्फ्यूजन बेसिकली इन तीनों बैंक्स में जाएगा.
सॉरी इंश्योरेंस कंपनीज में जाएगा। चलो आगे देखो, नेक्स्ट, डेवलपमेंट डेवलपिंग ऑफ अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस फॉर अर्बन माइग्रेंट्स और पुआ, है ना। ठीक है, ये सिर्फ स्कीम का नाम है कि सरकार ये योजना के तहत बहुत सारे श्रमिक मजदूर जो है उनके लिए घर बना के देगी, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, बस इतना ही है, इसमें कुछ नहीं बाकी। ये पढ़ो, एक्सटेंशन ऑफ ईपीएफ कंट्रीब्यूशन, इनफैक्ट ये भी आत्मनिर्भर भारत में उन्होंने इंक्लूड कर लिया था, जिसको लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया था कि भाई उसमें कंट्रीब्यूशन क्या है, मतलब तुम अपने ही फंड में पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हो और बोल रहे हो कि लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा, तो लोगों को बेनिफिट मिल ही नहीं रहा है क्योंकि पीएफ का सारा पैसा आपको नहीं मिलता है, मतलब आपके बिहाफ पे पीएफआरडीए को मिलता है, जो ये रेगुलेटरी अथॉरिटी जो पूरा पीएफ का पैसा सभी एम्प्लॉइज का मैनेज करती है, उसके पास वो पैसा जाता है और उसको मैनेज कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब इंस्टॉल सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एक अकाउंट से अपने दूसरे अकाउंट में पैसा डाल रही है, तो इमीडिएट बेनिफिट नहीं मिलते, उसके बेनिफिट्स आपको लॉन्ग टर्म में मिलते हैं रिटायरमेंट के बाद। तो देखो जरा, कैबिनेट हैज गिवन इट्स अप्रूवल फॉर एक्सटेंडिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन बोथ 12% एम्प्लॉइज एंड 12% एम्प्लॉयर शेयर अंडर ईपीएफ टोटलिंग 24%, 12% एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है और 12% आपका एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है फॉर अनदर 3 months फ्रॉम जून टू ऑगस्ट। मतलब आपको कॉन्ट्रीब्यूशन देने की जरूरत नहीं है, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके लिए सरकार वो कॉन्ट्रीब्यूशन और 3 महीनों तक, जैसे अप्रैल में तो पहले किया ही था, उसके बाद जून से ऑगस्ट का भी कॉन्ट्रीब्यूशन बेसिकली गवर्नमेंट आपको देगी, वो कॉन्ट्रीब्यूशन आपको देने की जरूरत नहीं है। इन्फ्यूजन मीन्स टू ब्रिंग इन मनी, इन्फ्यूज करना मतलब पैसा डालना, और दूसरा आपने पूछा डिसबर्समेंट, डिसबर्समेंट मतलब बांटना, सो ऑपोजिट है एक्चुअली में। चलिए, जब हम बोलते हैं ना लोन डिसबर्समेंट, लोन डिसबर्समेंट मतलब आपका लोन बैंक ने आपको दे दिया है, एंड इन्फ्यूजन मतलब बैंक इन्फ्यूजन मतलब बैंक में पैसा आया है, सो ऑपोजिट है दोनों। आगे देखते हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर फाइनेंसिंग फैसिलिटी अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, सो गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट अप्रूव किया है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। एग्रीकल्चर के लिए और क्या क्या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है उसे डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने फंड बनाया, ठीक है। फिर वो सीड्स हो सकते हैं, फर्टिलाइजर्स हो सकते हैं, कैनल सिस्टम हो सकता है, राइट, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चलती है, वाटर सप्लाई है, दिस इज अ पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। किस तरीके से आप वो प्रोवाइड करोगे उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फंड क्रिएट किया है। अच्छा, इसके बारे में हम लोगों ने पहले बहुत बात की है कि भाई वन ऑफ द कोर सेक्टर्स इन इंडिया हैपन्स टू बी एग्रीकल्चर, ऑल दो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 17-18% है टू द इंडियन इकॉनमी, पर इट एम्प्लॉयज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अपने यहाँ पे जितना भी रूरल इंडिया है दैट इज ऑल एग्री बेस्ड, राइट, तो काफ़ी सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, राइट, सो उनके बेनिफिट के लिए ये फंड हम लोगों ने क्रिएट किया है। आगे, की डिसीजन टेकन बाय यूनियन कैबिनेट ऑन 24th of June 2020, सो 24 जून की मीटिंग में ये डिसीजन लिए और उसके पहले ये 8 जुलाई की मीटिंग के सारे आपके डिसीजन है, चेक करना जरा। अब इसमें अपने को क्या क्या पढ़ना है, इसमें अगेन खैर ये हाइलाइट्स हैं यार सारे, अगेन इसमें क्या समझाऊंगा मैं आपको, ये रीड कर लो यार मुन्ना एक बार, है ना, ये वाले पॉइंट्स, मतलब उसमें क्या क्या डिसीजंस लिए, इसमें कुछ भी ऐसा कोई अगेन कोई लॉजिक का कॉन्सेप्ट नहीं है, बस क्या क्या एक्टिविटीज उन्होंने की है वो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है। सो ये प्लीज आपको एक बार रीड करना है। ये लोग सारी स्कीम्स लोन से रिलेटेड ही लाते हैं सर, 50% पब्लिक लोन लेना प्रेफर ही नहीं करती है, विच इज़ ट्रू। ICSI का प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, उसके लिए सबसे पहले ना CS बनना पड़ेगा, तो अपन सबसे पहले वो बन जाते हैं, बाकी सब अपने को बाद में समझ में आ जाएगा, है ना। सर, व्हेन आर GDP इज़ नेगेटिव एंड वी आर लैक ऑफ फंड एंड हाउ मच प्रोवाइडिंग सम मनी इन एवरी स्कीम, वेरी गुड क्वेश्चन, नो वन हैज़ एन आंसर टू दिस। जो हम लोग बोलते हैं ना कि इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसीज किस डायरेक्शन में जा रही है और वी लैक समवन लाइक मनमोहन सिंह और समवन लाइक प्रणब मुखर्जी और समवन लाइक पी चिदम्बरम और समवन लाइक मोंटेक सिंह आलूवालिया इन द प्रेजेंट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इज नॉट रॉन्ग, मतलब वी जेन्युइनली नीड सम वेरी गुड इकोनॉमिस्ट्स एंड सम रियल टाइम बैंकर्स, समवन लाइक रघुराम राजन, राइट, हु आर इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस, ऐसे लोगों की हमको बहुत ज़रूरत है अगर हम लोग को जेन्युइनली इंडिया को रैशनलाइज करके उसे जल्दी से जल्दी इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाना है तो। पर अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स कम इन बिटवीन, सो यू नो इट बिकम्स डिफिकल्ट। आप ICSI का प्रेसिडेंट बनिए ना सर, यार ज़रूरत ही नहीं है, क्या करना है ICSI प्रेसिडेंट बन के, मतलब बिना प्रेसिडेंट बने अपने को इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतना विश्वास, सब कुछ मिल जाता है, तो क्या ज़रूरत है अपने को प्रेसिडेंट बनने की, मैं यहीं पर ज़्यादा खुश हूँ, ऐसे मज़ा आता है। हाँ जी, आगे देखिए, नेक्स्ट, प्रेसिडेंट प्रोमल्गेट्स बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। अच्छा, व्हाट डू मीन बाय प्रोमल्गेशन, बेसिकली टू ब्रिंग इनटू इफेक्ट, है ना। अच्छा, व्हाट डू मीन बाय ऑर्डिनेंस, एक बात समझना, सी एक होता है एक्ट, एक्ट इज समथिंग विच इज पास्ड बाय पार्लियामेंट,
इफ पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ी होगी ये सब चीजें, तो सेंटर के लिए प्रेसिडेंट और स्टेट के लिए गवर्नर, इनके पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स हैं, राइट, इनके पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स हैं। एंड सिक्स वीक्स में जैसे ही वापस से द पार्लियामेंट इज इन सेशन, हम लोग पार्लियामेंट का अप्रूवल ले लेते हैं और बाद में वो ऑर्डिनेंस बेसिकली एक्ट बन जाता है। सो ऑर्डिनेंस इज नथिंग बट लॉ फॉर अ टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इवेंचुअली आपको उसमें पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना ही पड़ता है। तो क्योंकि अभी बिकॉज ऑफ कोविड वाली सिचुएशंस काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ नहीं हो पा रही थी, पार्लियामेंट वॉज नॉट इन सेशन, तो उस वक्त बेसिकली प्रेजिडेंट ने बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 पास किया, ठीक है, पढ़ लीजिए। द अमेंडमेंट्स विल नॉट अप्लाई टू प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, उनको एप्लीकेबल नहीं है, बाकी सभी के लिए ये पूरा के पूरा आपका बैंकिंग अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 एप्लीकेबल है, ठीक है। चलिए आगे क्या है गाइस, प्लीज टेल मी ये आईसीएसआई की तरफ से आया है क्या? हाँ जी, ये आईसीएसआई के ही नोट्स हैं, ओके ठीक है, चलो। सो ये जो आपने पढ़े ये आपके जुलाई के मंथली अपडेट्स थे, उसके बाद आगे चेक करते हैं अगस्त। हाँ भैया, इसमें आप आ जाइए पेज 10 पर, ये हम लोग अगस्त के मंथली अपडेट्स देख रहे हैं। हू इज द फूड मिनिस्टर आफ्टर रामविलास पासवान? पीयूष गोयल। आईसीएसआई की प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी होती है? आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस यार, मतलब जेनरली आप एक बार एनुअल रिपोर्ट चेक करना अपने आईसीएसआई की वेबसाइट पे, मिल जाएगी आपको, मेरे को भी नहीं पता कितनी सैलरी होती है। हाँ भैया, सो ये पेज 10 ऑफ ऑगस्ट 2020 अपडेट्स है ना, या कब तक के अपडेट्स आपको पता होने चाहिए मैम, एग्जाम से एक महीने पहले, सो नवंबर अटेम्प्ट वालों के लिए अक्टूबर तक के अपडेट्स। लो भैया, आरबीआई रिलीज द 21st इशू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जो हम लोग है ही नहीं फाइनेंशियली, तो हम लोग बिल्कुल ही स्टेबल नहीं है। सो देखो जरा, आरबीआई ने ये पूरी की पूरी एक रिपोर्ट सबमिट की है ना। अब उसमें ना बहुत सारे फैक्ट्स और नंबर्स दिए हुए हैं। सर डू वी हैव टू गो इन डिटेल? नो सर, ये सब पॉइंट्स हमको एक बार रटने पड़ेंगे? नहीं, आपको सिर्फ एक बार रीड करना है, ठीक है। यार अब अगेन इसमें समझाऊंगा क्या ना, दैट एक्चुअली बिकम्स अ प्रॉब्लम। एग्जाम में पीयूष गोयल लिखना है क्या? हाँ जी, एग्जाम में पीयूष गोयल लिखना है। गूगल लाइज, ओह शिट, आई फील सो बैड। रेस्ट सब्जेक्ट अपडेट्स, मैम इसमें सारी सब्जेक्ट्स क्या हैं? ये सिर्फ करंट अफेयर्स के नहीं, सारी एक्चुअली बाकी सब्जेक्ट्स में इतने अपडेट्स आते ही नहीं है, क्या ही आएगा ना। लॉ में जब तक अमेंडमेंट नहीं आता तो ऑब्वियसली अपडेट नहीं होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट में एक ही पॉइंट है, वो आधे पेज का है, जो आप इससे पढ़ सकते हो, मतलब उसमें कुछ है ही नहीं। जो थोड़ा बहुत भी चेंजेस है ना मेरे इसमें, मतलब सबसे ज़्यादा मेरे इसमें, और मेरे इसमें 10 पेज है, 7 अपडेट्स मिला के, तो कोई बहुत मेजर नहीं है। आप ये इसलिए मैं आपको इससे पढ़ा रहा हूँ, मैं पर्पसफुली इसके नोट्स नहीं बनाए, ताकि इस बहाने आप ये ओपन करोगे और आप देखोगे। सो एक बार बस आगे पीछे देख लेना, सब ईजिली आराम से हो जाएगा, बहुत सिंपल है। हाँ जी, सो आगे देखिए जरा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, इसमें सेकेंड पॉइंट पढ़ना, द ओवर लिवरेज्ड नॉन फाइनेंशियल सेक्टर, सिमरिंग ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड इकोनॉमिक लॉसेस ऑन अकाउंट ऑफ द पैंडमिक आर मेजर डाउनसाइड रिस्क्स ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, है ना। मतलब ये जो इंटरनेशनली इतने चेंजेस हुए हैं, डोमेस्टिकली इतने ज़्यादा चेंजेस हुए, इतना ज़्यादा पैसा सरकार का लगा इन सब चीज़ों में, टैक्स कलेक्शन बंद हो गया, जब लॉकडाउन था तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने रिलीफ दी थी, आपको किसी भी तरीके का कोई टैक्स पे नहीं करना है, बैंकों को उनके ईएमआईस नहीं मिल रहे थे क्योंकि मोरेटोरियम चल रहा था, तो पूरे सिस्टम से पैसा बाहर आ गया था, राइट। तो अभी आप जो ये देख रहे हो ना कि इस सिचुएशन में भी, वेयर वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ करोर केसेस राइट इन इंडिया, वी हैव ओपनड अप कंप्लीटली, हम लोगों ने पूरी पूरी इकॉनमी ओपन अप कर दी। वो इसलिए कि अगर ये इकॉनमी इस पॉइंट पे ओपन नहीं की होती ना, तो फॉरगेट अबाउट कोविड क्राइसिस, हम लोग फाइनेंशियल क्राइसिस में मर जाते हैं। तो वो गरीबी से मरने से अच्छा है कि
कोविड की वजह से लोग एटलीस्ट बीमार हो और रिकवर कर लें. तो वो बेसिकली गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव था कि फाइनेंशियली इकॉनमी वुड बी सो मच शेकन अप कि उसको वापस से रिवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. जबकि कोविड से आप लड़ सकते हो, ऐसा नहीं है कि यू लूज लाइफ. मतलब इन वेरी यू नो अप रिएक्टिव केसेस पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ, बट इंडिया में फिर भी रिकवरी रेट जो गवर्नमेंट नंबर्स बताती है उसके हिसाब से तो काफी अच्छा, 93-94% हम लोग गवर्नमेंट रेट रिकवरी रेट बोलते हैं, विच इज वेरी गुड. करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आएंगे. मेरा नाम ब्रह्मा जी है, मैं बिल्कुल वादा कर रहा हूँ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आएंगे अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया है तो. चलो भैया, सो आगे देखते हैं. एक्शंस अंडरटेकन बाय फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स एंड द गवर्नमेंट टू मिटिगेट, मिटिगेट मीन्स टू अवॉइड इम्पैक्ट ऑफ कोविड 19, ईज्ड ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स एंड हेल्प्ड इन मेंटेनिंग मार्केट इंटेग्रिटी एंड रेजिलियंस इन द फेस ऑफ सिवियर रिस्क अवर्शन. ज्ञान है ये पॉइंट, नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा. बैंक क्रेडिट, ये पॉइंट नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा. ये पॉइंट नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा. ये पॉइंट नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा. ये सब छोड़ दो, जरूरत ही, मतलब इसमें कुछ फैक्ट ही नहीं दिया हुआ है, सिर्फ कहानी दी हुई है. ये पॉइंट पढ़ना, द कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो. किसी ने अगर पूछा ना सर ये CRAR क्या होता है, एक छापट मारूंगा, अभी ये जरूरत नहीं है, है ना, बिल्कुल दिमाग में लगाना. ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स एज डाउन टू 14.8%, ये पढ़ना है आपको, इन मार्च 2020 फ्रॉम 15% इन सेप्टेम्बर 2019. ठीक है, ग्रॉस एनपीए, एनपीए मतलब जानते हैं आप लोग, जो डिफॉल्ट हो जाते हैं, जो लोन मिलते नहीं है बैंक्स उसको अपनी बुक्स में एनपीए जैसे क्लासिफाई करती है, डिक्लाइन टू 8.5% फ्रॉम 9.3% एंड द प्रोविजन कवरेज रेशियो इंप्रूव टू 65.4% फ्रॉम 61.6% ओवर दिस पीरियड. बस ये फैक्ट्स आपको पढ़ना है, ये एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. सर मैं ब्रह्मा अगस्त को छोड़ ही देते हैं. चलो आगे देखें, नेक्स्ट ये पॉइंट पे आपको पढ़ना है. मैक्रो स्ट्रेस टेस्ट फॉर क्रेडिट रिस्क इंडिकेट दैट दी GNPA रेशियो ऑफ ऑल SCBs शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में इंक्रीज फ्रॉम 8.5% इन मार्च टू 12.5% बाय मार्च 21. सर इसका लॉजिक समझाओ, भग जाओ यहां से, कैसी बातें करो, इसका कोई लॉजिक थोड़ी नहीं है, तो एक्चुअल फैक्ट्स है, नंबर्स, इसका कोई लॉजिक वॉजिक कुछ नहीं होता है, ये याद ही करना है आपको. ऐसे द रेशियो में एस्केलेट टू 14.5 अंडर अ वेरी सिवियरली स्ट्रेस्ड सिनारियो. अपडेट नहीं पढ़ा तो कितना लॉस हो सकता है. अगेन मेरा नाम श्री कृष्णा है, आप शायद फेल भी हो सकते हो, इसलिए प्लीज पढ़ लेना. हाँ भैया, और बाकी ये वाला पॉइंट नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा, ये पॉइंट नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा. ठीक है, चलो उसके बाद आगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020, ये तो खैर आप सबको पता ही है ना, पूरी नई की नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई. और अभी तक तुम लोगों ने जो अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है वो सब मजाक कर लिया है ना आपकी गवर्नमेंट ने, और पूरा एक नया सिस्टम एजुकेशन का लेकर आ गए. अच्छा, इसमें जो मेजर हाइलाइट्स हैं वो हम लोग ज़रा देख लेते हैं. सेकेंड पॉइंट चेक करना, अ सिंगल रेगुलेटर विल लीड ऑल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. एक रेगुलेटर आएगा, अभी तक अपने यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी नहीं, अपने यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट है बेसिकली. सो नाउ यू हैव वन रेगुलेटर विच विल गवर्न ऑल दीज रेगुलेटरी बॉडीज. अच्छा, आर दीज बुलेटिन इनफ फॉर करंट अफेयर्स प्रिपरेशन फॉर CSET नवंबर? सर्टेनली सर, इसके आगे और कुछ भी नहीं. आगे देखो जरा, द मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन अंटिल एटलीस्ट क्लास 5 बट प्रेफरेबली टिल क्लास 8 एंड बियॉन्ड विल बी द होम लैंग्वेज, मदर टंग, लोकल लैंग्वेज एंड द रीजनल लैंग्वेज. सारी भाषाएं आपको पढ़ाएंगे, जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. मतलब ऑनेस्टली जब मैं स्कूल में था ना, मेरे को कभी इस चीज़ की वैल्यू नहीं समझ में आई कि इंग्लिश की इंपॉर्टेंस क्या है, बट नाउ व्हेन आई टीच स्टूडेंट्स आई डेफिनेटली गेट टू रियलाइज. इनफैक्ट व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग आई गॉट टू रियलाइज दैट इट वॉज अ मिस्टेक, यू नो, इट वॉज अ वेरी एविल थॉट दैट आई डिड नॉट फोकस ऑन इंग्लिश ड्यूरिंग माई स्कूल डेज. इट वॉज अ कंप्लीटली बैड आइडिया एंड आई वॉज शैटर्ड व्हेन आई स्टार्टेड ग्रेजुएटिंग, जब मैं पुणे आया. एंड दैट इज़ व्हेन आई एक्चुअली रियलाइज्ड कि मुन्ना तू बहुत पीछे रह गया बाकी लोगों से, अब तेरे को डबल मेहनत करनी पड़ेगी इफ़ यू हैव टू कोप अप एंड बी विथ द काइंड ऑफ पीपल यू एक्चुअली आर, यू नो, उनके जैसा बनने के लिए तेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज प्लेज अ ग्रेट रोल. मतलब आपका तो MCQ पेपर है, आप एग्जीक्यूटिव में देखना, जिन लोगों की लैंग्वेज अच्छी होती है ना उनके आंसर्स ऑटोमेटिकली बेटर हो जाते हैं. मतलब हो सकता है उन्होंने दो प्रोविजन कम भी लिखे हो लेकिन फिर भी आंसर्स बेटर लगते हैं, बिकॉज जितना लिखा है वो उन्होंने लॉजिकली उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया, जो अनफॉर्चुनेटली जिनका लैंग्वेज का बैरियर है वो नहीं कर पाते हैं. आगे देखो जरा, कोर कॉन्सेप्ट्स विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द स्कूल करिकुलम विद द एडिशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वोकेशनल एजुकेशन होना ही चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलर, सम न्यू एक्टिविटीज़, राइट,
इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज़ जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत नहीं, स्किल आपको कोई ना कोई स्किल बेस्ड एक्टिविटीज सिखाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में. बेसिक स्टैंडर्ड्स विल बी सेट अप फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट हायर एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, आगे इसमें और कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाँ ये वाला पॉइंट देखिए, ट्वेल्थ वाला. ई कोर्सेज विल बी क्रिएटेड इन प्रोविंशियल डायलेक्ट्स, वर्चुअल लैब्स विल बी क्रिएटेड एंड अ नेशनल इंस्ट्रक्टिव इनोवेशन डिस्कशन इज बीइंग मेड. कैसे करेंगे इज अ फार साइटेड स्टोरी, बट अगर ऑब्वियसली उन्होंने यहाँ पर लिखा है तो उसके बारे में सोचा जरूर होगा. डिजिटल, बेसिकली डिजिटल इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. नाउ देयर आर मोर देन 45,000 सब्सिडियरी यूनिवर्सिटीज इन आर नेशन अंडर रिव्यूड सेल्फ सफिशिएंसी स्कॉलिस्टिक रेगुलेटरी एंड बजटरी इंडिपेंडेंस विल बी गिवन टू कॉलेजेस एज पर द स्टेटस ऑफ देयर अक्रेडिशन. अभी तो खैर यार आप ये कॉलेज यूनिवर्सिटीज खैर आप जाओगे तो यहाँ पे एजुकेशन की डेफिनेशन हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड, इट हैज़ इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, गुड और बैड आई डोंट नो, पर देर इज अ ड्रामेटिक नीड टू चेंज. नाउ सिंस आई बिलोंग टू द सेम इंडस्ट्री, यू नो वी आर अ पार्ट ऑफ द सेम एजुकेशनल सिस्टम, आई गेट टू फील, आई गेट टू रियलाइज एज टू हाउ मेनी चेंजेस आर रेडिकली इंपॉर्टेंट एंड आर नीडेड एटलीस्ट एट दिस स्टेज, राइट. सो मतलब कोई मेरे से सजेशन मांगता नहीं है रे, अगर सरकार मेरे से थोड़ा सा सजेशन, इतना ज्ञान दे सकता हूँ ना मैं मतलब इसके ऊपर, क्योंकि नाउ आई गेट टू अंडरस्टैंड यू नो कि हर चीज़ का इंप्लीकेशन क्या होता है, कि स्कूलिंग में क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलेज में क्या बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जब भी ये एजुकेशन की बात आती है ना, आई ऑलवेज फील बुकिश नॉलेज हेल्प्स ओनली टू अ पॉइंट, आफ्टर दैट इट्स ऑल योर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विच एक्चुअली मेक्स यू अ बेटर पर्सन, यू नो वो अपने आप में बहुत समस्या है. हमारे यहाँ पे सिर्फ पढ़ाते ही रहते हैं एड़े जैसे, मतलब उसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन पता ही नहीं है. अभी भी आप सीएस में इतनी पढ़ाई करते हो, इतनी बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ते ही रहते हो, आर्टिकलशिप करते हो, फिर स्टूडेंट्स को रियलाइज होता है साला मैं इतना पढ़ क्यों रहा था, काम में तो कुछ और ही आ रहा है, जो मैं पढ़ रहा था कुछ और ही है. तो पार्ट ऑफ एवरी स्टूडेंट स्टोरी, वर्क बेस्ड होना चाहिए, यू नो रिसर्च बेस्ड होना चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली इंडिया में नहीं है. यूएस इसीलिए हमसे बहुत ज़्यादा आगे, जो मैं हमेशा बोलता हूँ ना आपको, इट इज़ वेरी रिसर्च ओरिएंटेड स्टडी. अपने यहाँ पे बस किताबें, वेट बढ़ाते रहो, मॉड्यूल बढ़ाते रहो, अपडेट देते रहो, एडिशंस देते रहो. अभी भी एग्जीक्यूटिव में यही हुआ जिसके लिए हम लोग इतना सब लड़ झगड़ रहे थे, इतनी बड़ी बड़ी किताबें ना, मतलब हम लोग के बैच, मेरी पढ़ाने में मेरी हालत ख़राब हो जाती है. मैं आई रियली वंडर स्टूडेंट्स बेचारे पढ़ते कैसे, बट ठीक है, नाउ सिंस वी ऑल बिलोंग टू द सेम फैमिली वी हैव टू गो थ्रू इट. हाँ जी, आपको ही पीएम बना देना चाहिए सर, स्टूडेंट्स मेजॉरिटी तो आपको ही मिलेगी. यार पीएम नहीं भी बनाया ना, मेरे को बस एजुकेशन वाला जो डिपार्टमेंट है उसमें एक आध कोई सीट दे देना जहाँ पे मैं जाके फ्रीली अपना ज्ञान दे सकूँ. मतलब इतने चेंज की ज़रूरत है ना, इतने चेंज की ज़रूरत है. और दिक्कत ये है ना कि पीपल हु आर सिटिंग एट द टॉप, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट इवन बॉदर्ड, यू नो कि वट द फ्यूचर इज गोइंग टू बी. इनफैक्ट येस्टरडे आई वॉज सिटिंग विद समवन हु इज़ वेरी सीनियर इन सीए इंडस्ट्री, मतलब उनका बहुत बड़ा नाम है, ही वॉज अ पार्ट ऑफ द एजुकेशन कमिटी ऑफ बेसिकली ICAI. उनसे मैं बात कर रहा था, एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट हुआ जो इंस्टीट्यूट ने वो मॉड्यूल्स और वो सब मस्ती की ना, उसके बाद इतने डिस्कशंस हो गए ना उसके ऊपर, इतने वी वर डिस्कसिंग फॉर लाइक गुड 1.5 आवर्स, पूरा 1.5 घंटा सिर्फ वही बात चल रही थी. तो अगेन आई थिंक वो ज़रूरत है ऐसे लोगों की हु वॉन्ट्स टू ब्रिंग दिस चेंज. मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अपने को ज्ञान देने में बहुत मज़ा आता है वैसे भी, पर वो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रख के, यू नो दिस इज़ वॉट द थिंग इज़ गोइंग टू बी आफ्टर 10 ईयर्स. सो पॉलिटिक्स को थोड़ा सा साइड में रख के इन चीज़ों पर सोचने की बहुत ज़रूरत है. आई एम प्रिटी श्योर, मतलब जो प्रेजेंट कमिटी होगी दे मस्ट बी वेरी केपेबल ऑफ टेकिंग द राइट डिसीजन, बट फिर जहाँ पे उन चीज़ों में पॉलिटिक्स आ जाती है ना तो आई थिंक चीज़ें फिर थोड़ी सी डाइल्यूट हो जाती है. हाँ जी, MC में चला जाऊँ, ICSA के प्रेसिडेंट भी बन जाऊँ, अच्छा ठीक है. चलिए, मैं जब भी चुनाव लड़ूंगा ना मैं आप सबसे आपका सहयोग ज़रूर मांगूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है आप सब मेरे को ज़्यादा अच्छे मस्त वोटों से जिताओगे कभी ऐसा मौका मिला तो. थैंक यू सो मच यार. हाँ जी, लिटरेसी आर नॉट अलाउड इन पॉलिटिक्स विच इज़ ट्रू. चलो थैंक यू सो मच एवरीवन. हाँ जी, आगे देखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टूडेंट्स विल बी असेस्ड ऑन द नेशनल असेसमेंट सेंटर विच इज़ परख, है ना, ये पारक नहीं है परख है. चलिए भैया, सो ये जो अपडेट्स थे ये कौन से मंथ के थे, ये सारे के सारे आपके अगस्त के अपडेट्स थे. नेक्स्ट देखते हैं, मतलब चुनाव की तो कोई स्पीच देने के लिए बोल देना मेरे को, मैं ऐसा ज्ञान दूंगा ना कि मेरे ऑपोजिट में जो खड़ा है ना वो भी मेरे को आके वोट देगा. मतलब एक बार साला मौका तो मिले अपने को, आयरनी ऑफ लाइफ कसम से.
हाँ भैया, सो ये अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये हम लोग पढ़ रहे हैं अब सितंबर के अपडेट्स, है ना। सितंबर के अपडेट्स देखते हैं अब जरा। थैंक यू सो मच अदिति, बाय द वे लाइक द नेम यार, टाइम्स ऑफ अदिति, वेरी नाइस यार। हाँ जी, मोदी जी से इंटरेक्ट करिए एजुकेशन सिस्टम को लेके। जी सर जरूर। ये देखो फिर से आ गए, अभी अपना वो थॉट ऑन है। हाँ भाई, यस एकेडमी फैन पेज मंथली अपडेट्स में फोकस करना है या ज्यादा मॉड्यूल में फोकस? दोनों में फोकस करना है, कुछ भी एक छोड़ दिया तो निपट गए, यही कहानी खत्म हो जाएगी तुम्हारी। ये देखो फिर से दोनों आ गए, अभी हरीश सर और विपुल सर भी आ गए एकदम चिकने बन के, रेड टी शर्ट पहन के, काला मास्क लगा के, साला हॉट बनने की कोशिश कर रहा है। चलो पढ़ते अपन लोग, मैंने तुमको बता के रखा है ना। और अगर यहाँ पे विपुल सर भी अभी मस्ती करते हैं थोड़ी सी, तो मैं अपने ग्रुप पे विपुल सर का भी नंबर डाल दूंगा, है ना। विपुल सर को भी आप एक ही मैसेज करना कॉन्स्टेंटली, क्या विपुल सर कुछ तो पढ़ाओ, विपुल सर कुछ तो पढ़ाओ, ऐसे हैशटैग विपुल सर कुछ तो पढ़ाओ। अरे मार्क्सम कुत्रिया साले सुअर। तो मैं बताता हूँ तुमको क्या करना है, है ना। जैसे ही मैं बोलूँ कि ये ऑन करो तो मैसेज भेजना चालू कर देना उसके बाद। बिल्कुल साला सो नहीं पाया रात भर हरीश और विपुल दोनों। हाँ भैया, ए पढ़ाने दे साले मेरे को, दो ही अपडेट्स बचे मेरे। चलो नहीं नहीं ब्रेक क्या, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। आई एम एट सेप्टेम्बर डूड, सेप्टेम्बर और अक्टूबर। चलो भैया आगे देखते हैं जल्दी से। पार्लियामेंट पासेस द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, नाम ही कितना बड़ा है। हाँ जी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है अक्टूबर में, मेरे को थोड़ी ना आता वो। अच्छा चल, आई जस्ट सी मैन, आई जस्ट सी इन केस इफ आई अंडरस्टैंड, आई टीच, डोंट वरी। या एंड द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। हाँ भैया, या सो भैया ये किसके लिए? बेसिकली मिनिमम प्राइस गारंटी के लिए। ये किस चीज़ के लिए? दिस इज फॉर मिनिमम प्राइस गारंटी, है ना। मिनिमम प्राइस गारंटी मतलब क्या है कि जो भी किसानों की फार्म प्रोड्यूस होती है उसके लिए सरकार उन्हें कम से कम इतना अमाउंट देने वाली है जो भी उनकी फार्म प्रोड्यूस होगी, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया दे रिजर्व, है ना। सो जरा चेक करते हैं यहाँ पर। हाँ, दिस इज ऑल्सो मच अपोज्ड, मतलब फार्मर्स बिल के ऊपर बहुत हंगामा हुआ। अभी भी लोग इसको वाइडली क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई इसकी जो पॉलिसीज है, इसका जो फ्रेमवर्क है, वो बहुत जस्टिफाइबल नहीं है, बहुत लॉजिकल नहीं है, और इससे किसानों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। किसको फायदा मिल रहा है वो तो भगवान जाने, पर प्रपोजल जरूर है। सो देखते हैं जरा, ये हमारे मिनिस्टर साहब कहाँ गए, इनका नाम श्री नरेंद्र सिंह तोमर, टू रिप्लेस ऑर्डिनेंसेस प्रोमलगेटेड ऑन 5th of June 2020, है ना। सो बेसिकली सारे ऑर्डिनेंसेस को कन्वर्ट कर देंगे किसमें? एक्ट में। किसमें कन्वर्ट कर देंगे? एक्ट में। हाँ भैया, मेन प्रोविजंस, अब इसमें देखो जरा पढ़ने कौन से आपको, वो मैं आपको बता देता हूं। सेकेंड पॉइंट देखना, इट विल ऑल्सो प्रमोट बैरियर फ्री इंटरस्टेट, इंटरस्टेट मतलब दो स्टेट्स के बीच में, इंट्रास्टेट मतलब विद इन द सेम स्टेट, एंड कॉमर्स आउटसाइड द फिजिकल प्रमाइसिस ऑफ मार्केट्स नोटिफाइड अंडर स्टेट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग लेजिस्लेशन। मतलब ये बेसिकली जितने भी रूट्स होते हैं, जो रेगुलेशन होते हैं दो स्टेट्स के बीच में या एक स्टेट के बीच में है, मतलब विद इन द स्टेट है, उन सारे ट्रेड्स को और बेटर तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा, इसमें जितने भी इंटरमीजरीज होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं, राइट, ये सब इंटरमीजरीज को हटाएंगे, मंडी वाला सिस्टम खत्म करेंगे, सो दैट फार्मर्स कुड डायरेक्टली रीच द गवर्नमेंट और इट कुड डायरेक्टली रीच द एंड कंज्यूमर, राइट, सो दैट उनके जो कमीशन वाला पार्ट है उसे कम करके हम लोग ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट बेसिकली फार्मर्स को दे सके। आगे देखो जरा, द फार्मर्स विल नॉट बी चार्ज एनी सेस और लेवी फॉर सेल ऑफ देयर प्रोड्यूस एंड विल नॉट हैव टू बेयर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अच्छा, ये सेस क्या होता है, लेवी क्या होता है, ये सब आपको पढ़ाएंगे मिस्टर विपुल शाह। कब पढ़ाएंगे सर? एग्जीक्यूटिव में पढ़ाएंगे। आपने विपुल सर को देखा है जो अपन, मैं आपको अभी लाइफ बॉय साबुन का एग्जाम्पल दे रहा था ना, 8 रुपए वाला,
विपुल सर से बिल्कुल नहीं नहाते, विपुल सर नहाते हैं लक्स साबुन से, लक्स। विपुल सर को भी मिलवा दो एक बार। हाँ विपुल सर को भी मिलवा देता हूँ मैं अभी आपको। या विपुल सर को नहीं देता, हाँ मैं अभी लगेज बुला लेता हूँ। मतलब कटरीना तो खैर आपकी भाभी हो गई है ना, करीना के बाद अगर दूसरा सबसे सुंदर आदमी कोई आपको, नहीं मतलब सबसे सुंदर अगर कोई क्या बोलते हैं इंसान मिलेगा है ना, मैं नर और नारी का तो क्या ही बोलूँगा, वो अपने विपुल शाह है। हाँ हैंडसम, वेरी हैंडसम मैन। सो एक बार ज़रा विपुल सर को भी मैं आपको दिखा दूँ। आइए सर ज़रा एक बार इनको हैप्पी दिवाली बोल दो सर, ऑल द बेस्ट बोल दो सर। यस सी हमारे मिस्टर शाह हैं, कैन यू सी हिज एप्स सर, यू वांट टू सो ये अपने बिल्कुल चिकने चपाट विपुल। हम विपुल सर जब भी हम लोग फोटो वोटो खींचते हैं ना तो हम विपुल सर से सब दूर खड़े रहते हैं, क्योंकि जहाँ ये खड़ा होता है बाकी सब काले सांड लगते हैं। तो और इनकी आप पर्सनैलिटी, लुक एट हिज चेस्ट लाइन, लुक एट हिज चेस्ट लाइन मैन, दिस मैन इज सो हॉट। और ये आपको भविष्य में, भविष्य में मतलब ईटी क्लियर करने के बाद ये आपको एग्जीक्यूटिव पढ़ाएंगे। चलो मैं विपुल सर को 2 मिनट माइक दे देता हूँ। यस चलो सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे सब लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। मैं मजे में हूँ, आप कैसे हो? अरे चिराग सर आएंगे थोड़े दिनों में। हैप्पी दिवाली आपका, आई होप आपका स्टडी सब बराबर चल रहा है और छुट्टियाँ भी बराबर चल रही है। दिवाली आप दिवाली में क्लास को अटेंड कर रहे हैं, दिवाली में तो छुट्टी होनी चाहिए ना एक्चुअली। मजे में है ना? एक्सेलेंट एक्सेलेंट, चलो आपके देख के मजा आ गया। इतने सारे स्टूडेंट्स आज दिवाली में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है आपका फ्यूचर बहुत स्ट्रांग होने वाला है और अच्छा भी होने वाला है, क्योंकि दिवाली में पढ़ना इट्स रिक्वायर्ड लॉट ऑफ करेज, कि सब बाकी सब लोग एंजॉय कर रहे और आप लोग पढ़ रहे हो, सो बहुत अच्छी बात है, ग्रेट ना? यस ग्रेट ग्रेट। चलो तो आप अभी पढ़ाई करो, मैं विकास सर को माइक देता हूँ एंड एंजॉय भी करना है, मिलते हैं अपन ब्रेक के बाद, मतलब बाद में। हाँ सर ओके बच्चों देखो अभी विकास सर ने बोला है कुछ, तो आपको 2-3 चीजें बता देता हूँ। अच्छा देखो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर बिजनेस एनवायरनमेंट में, ध्यान देना बेटा 2 सेकंड के लिए, बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ तो अमेंडमेंट्स आई है, ठीक है? तो देखो आपको स्क्रीन पे तो दिखा नहीं पाऊंगा मैं अभी, लेकिन सुनना जरा, ये तो दिखा दो क्या, एक ही सेकंड, एक सेकंड आपको बिजनेस एनवायरनमेंट की अमेंडमेंट बता रहा हूं बेटा, ये जाना मत नालायक कहीं पे भी, देखना ध्यान देना सिर्फ। हाँ नहीं पढ़ा नहीं रहो, पढ़ा नहीं रहो। अच्छा देखो बेटा दिख रहा है सभी को, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन इंडिया, ये सारी चीजें अपन ने रेगुलर लेक्चर्स में देखी है बेटा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा के फैक्ट्स इन्होंने ऐड किए हैं। एक्स्ट्रा के फैक्ट्स कौन कौन से वो बता दे दो बेटा, आपको दिख रहा है सभी को पहले बता दो बेटा, यस और नो, यस और नो, एक सेकेंड। हाँ मैं आपका चैट वाला पॉइंट ओपन कर लेता हूँ। यस हाय बेटा, हाय हाय हाय, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, चल आ जाओ बेटा एक सेकेंड के लिए देख लीजिए। यस हरीश सर ही है बेटा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, आ जाओ आ जाओ, 2 सेकेंड के लिए देख लो सिर्फ, दिख रहा है बेटा सभी को। ऐसे नहीं दिखेगा आपको, सर टेलीग्राम में शेयर कर दो। हाँ 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 करता हूँ टेलीग्राम में भी शेयर कर रहा हूँ, डोंट वरी, टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा बेटा। ओके
चलो देखो बेटा, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, अब ये जो फैक्ट्स है, ये फैक्ट्स हमने मैक्सिमम फैक्ट्स देखे हुए हैं, रेगुलर नोट्स का ये, बच्चों की गलत फहमी है कि सर ये नया हुआ है, आया हुआ है, बस कौन कौन से फैक्ट्स नए हैं दो मिनट में बता रहा बेटा, दो पेज का अमेंडमेंट है, सिर्फ ध्यान देना, दो सेकेंड। सबसे जरूरी चीज है चैलेंजेस इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, देख रहा है बेटा आप लोग, चैलेंजेस इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस आते थे, सबसे पहले था, सबसे पहला वाला चैलेंजेस था बेटा, इंडिया का पर कैपिटा इनकम काफी लो है, जैसे आप लोगों ने बचपन से सुना होगा कि भारत डेवलपिंग कंट्री है, काफी लोग तो ऐसे बोलते भारत काफी गरीब देश है, लेकिन मैं गरीब देश तो नहीं बोलूंगा, डेवलपिंग कंट्री है, क्योंकि इंडिया में काफी लोगों का पर कैपिटा इनकम एज कंपेयर टू दुबई, इंडिया का पर इनकम काफी लो है, इस चक्कर में लोगों के पास में होता है बिजनेस में कैपिटल लगाने के लिए। दूसरा, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन मतलब क्या होता है, हर वो टाइप का एजुकेशन जिसकी मदद से, हर वो टाइप का एजुकेशन जिसकी मदद से आप कुछ अर्निंग कर सकते हो, जिसकी मदद से आप कुछ अर्निंग कर सकते हो, उस एजुकेशन को आसान भाषा में वोकेशनल एजुकेशन कहते हैं, वो वोकेशनल एजुकेशन की इंडिया में काफी कमी है, इसीलिए भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी ने स्किल इंडिया का स्कीम लेकर के आया था, आपको अगर याद आ रहा होगा तो वो भी एक कमी है। हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग चैलेंजेस देख रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए, कौन कौन से चैलेंजेस है, रेगुलर नोट्स के चैलेंजेस है बेटा। दूसरे बात आगे दिया मोटिवेशन सेंटर्स, आगे बोला देखो इसमें, फ्यू ट्रेनिंग सेंटर्स दैट एग्जिस्ट आर मेनली इन अर्बन एरिया, ओहो काफी कम है। देन लो स्पिरिट, जोश नहीं है लोगों के अंदर में, ये सुन लो। उसके बाद कंपटीशन बहुत ज्यादा है, किसी एक ने वड़ा पाव का दुकान खोल दिया तो उसके आसपास में 8-10 वड़ा पाव की दुकान मिल जाएगी, डोसा इडली का दुकान खोला तो पूरी की पूरी लेन में डोसा इडली का दुकान खुल जाएगा, ये सुन लो। जैसे पुणे के अंदर में येवले चाय, एक ने येवले चाय चालू किया, आसपास में सब चाय की दुकान, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, करप्शन बहुत ज्यादा है, बैकवर्ड थिंकिंग है लोगों की, ये सारे क्या है बेटा, चैलेंजेस है आपके एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के। देन उसके बाद गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या किया है, अभी हमने क्या देखा, चैलेंजेस, लोगों की सोच छोटी है, कैपिटल नहीं है, करप्शन बहुत ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा है, लो स्पिरिट है, ये दीज आर ऑल द चैलेंजेस। अब इसके लिए हमारे मोदी सरकार ने, ये मत कहना कि मैं मोदी का फैन हूं, अब मेरे इसमें बिजनेस एनवायरमेंट में है ही हर जगह मोदी मोदी, हर घर मोदी, तो मैं क्या करूं, यस और नो। अब इसके लिए मोदी सरकार ने क्या क्या किया है देखो तो जरा, अब यहां पे इन्होंने बोला है गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू फोस्टर द एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, जैसे स्टार्टअप का स्कीम लेकर गया था, 4000 प्लस स्टार्टअप्स हैव बीन बेनिफिटेड इन द लास्ट ईयर, कितने बेटा, अराउंड 4000 प्लस स्टार्टअप अक्रॉस द इंडिया। उसके बाद आगे बोला है 960 करोड़ ऑफ फंडिंग हैज बीन इनेबल टू स्टार्टअप थ्रू द वेरियस स्कीम, 960 करोड़ का फंडिंग किया है गवर्नमेंट ने अराउंड एक वन फाइनेंशियल ईयर में स्टार्टअप स्कीम को प्रमोट करने के लिए। उसके बाद आगे और क्या दिया बेटा, 828 करोड़ सैंक्शन फंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड बना रहे हैं हम लोग, ब्रिजेस बना रहे हैं ना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट का कितना फंड्स है। सर हमें इसमें से क्या याद करना है बेटा, अभी जो मैंने आपको चैलेंजेस बताए थे ना, वो चैलेंजेस के मेन मेन हेडिंग, और यहां पे स्टार्टअप के लिए कितना है 960 करोड़, ये फिगर याद रखना है, 4000 प्लस स्टार्टअप हैव बीन बेनिफिटेड, ये फिगर याद रखना है। उसके बाद 828 करोड़ का फंड्स यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए था, स्टार्टअप के लिए कितना था बेटा 960 करोड़, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना था 828 करोड़। उसके बाद टैक्स एग्जम्पशन मिला है, और क्या क्या स्कीमें लेके आए बेटा, ये हमने रेगुलर लेक्चर में पढ़ा है, याद आ रहा है क्या, 3 साल तक का इनकम टैक्स आपके लिए माफ है, अगर आप नया स्टार्टअप हो, अगर आपके पास कोई यूनिक आइडिया है तो 3 साल तक का आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलेगा, कैपिटल गेन भी आपको देने की जरूरत नहीं है, कैपिटल गेन मतलब क्या होता है, मैंने रेगुलर लेक्चर में करवाया था। ओके, एक बच्चा बोल रहा है कि सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, अभी क्लियर आ रहा है बेटा। उसके बाद और आगे चलो, टैक्स एग्जम्पशन ऑन द इन्वेस्टमेंट अबव फेयर मार्केट वैल्यू, अगर आपका इन्वेस्टमेंट करते हो मार्केट वैल्यू के ऊपर में, तो वहां पे भी आपको टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा। इन शॉर्ट, आसान भाषा में इसको एक सेंटेंस में पूरा खत्म करता हूं, ध्यान देना, आपको डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स दोनों में छूट मिलेगी, एग्जम्पशन मिलेगा,
ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। ऊपर हमने चैलेंजेस देखे और नीचे गवर्नमेंट का इनिशिएटिव, सिर्फ फैक्ट्स याद रखने बेटा। देन उसके बाद लीगल सपोर्ट इन द पेटेंट फाइलिंग, ये भी हमने देखा ही था। फास्ट ट्रैक स्टार्टअप पेटेंट एप्लीकेशन, एनीबडी यहां पे कोई ऐसा है जो मुझे बता सकता है रजिस्ट्रेशन कॉस्ट में कितने का डिस्काउंट देने वाली थी गवर्नमेंट? आपको अगर याद आ रहा होगा, अगर आप नया स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास कोई यूनिक आइडिया है, तो आपको पेटेंट रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। पेटेंट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस फास्टर हो गया, उसमें डिस्काउंट कितना था रजिस्ट्रेशन कॉस्ट में? एनीबडी? वेरी गुड मेरे बच्चे प्रांचल सिंगानिया, वेरी गुड वेरी गुड। अरुण शर्मा, गुरलीन कौर, वेरी गुड, वाह वाह, लव यू ऑल। बेटा आप सभी को सब कुछ याद है, डेफिनेटली पास होने वाले हो। 80% का आपको डिस्काउंट मिलने वाला था रजिस्ट्रेशन कॉस्ट में, वेरी गुड। ओहो हो नलायको, ये सब स्क्रीन पे देख करके बता रहे थे कि आप लोग इन फाइलिंग द पेटेंट्स 377 स्टार्टअप्स बेनिफिटेड। बेटा ये बुलेटिन है, जो अमेंडमेंट्स आई है, आपने ये फैक्ट याद रखना है कि 377 स्टार्टअप को इसमें बेनिफिट मिला 80% के रिबेट के स्कीम में। उसके बाद आगे इजी कंप्लायंसेस है, उसके बाद आगे और क्या दिया बेटा, रिलैक्स नॉर्म फॉर द पब्लिक प्रोक्यूरमेंट बाय यूजिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रायर एक्सपीरियंस एंड प्रायर टर्नओवर टू इन टेंडर फॉर एप्लीकेशन बाय द स्टार्टअप। इसका मतलब बताता हूं, अगर गवर्नमेंट का कोई टेंडर आता है और स्टार्टअप इंडिया स्कीम के तहत कोई स्टार्टअप है, तो उसे बेनिफिट मिलेगा, उससे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं पूछा जाएगा। भैया आप नए स्टार्टअप हो, आपको गवर्नमेंट के जो टेंडर निकलते हैं उसके अंदर में डेफिनेटली आपको प्रायोरिटी मिलेगी। बस हो गया सर, हो गया, डन डन डन। एंड फंड ऑफ फंड्स कितना है बेटा, देखो तो ₹10,000 crore फंड ऑफ फंड्स टू बी प्रोवाइडेड बाय द मार्च 2025, ऐसा इनका ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, यस और नो? और आगे बोला है ऑन एन एवरेज 1100 crore पर ईयर। अब प्लीज ये मत पूछना सर 10,000 crore 5 साल में, तो 1 साल का 1100 crore नहीं होता है। यहाँ पे फैक्ट दिया हुआ है, मेरे ख्याल से यहाँ पे 2000 crore पर ईयर होना चाहिए, बट इन्होंने दिया है फैक्ट, मैंने आपको पहले बताया था। राइट आंसर, रॉन्ग आंसर एंड ICSI, तो ICSI ने लिखा है यहाँ पे 1100 crore एवरेज है, तो 1100 crore का फंड ऑन एन एवरेज रहेगा यहाँ पे। और क्या आगे दिया बेटा, फैक्ट्स में सिर्फ इतना ही रखना है। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स, कॉर्पस दिया है 2000 crore का अक्रॉस 3 इयर्स, कोलैटरल फीस, कोलैटरल फ्री फंड एंड नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट सपोर्ट, लोन अप टू 5 crore पर स्टार्टअप टू बी कवर्ड एंड स्टेटस दिया है। बस ये छोड़ देना लास्ट वाले दो पॉइंट, ऊपर के ये आपने याद रख लेना है, दैट्स इट, बस इतना ही है। और आगे चाटिए, बस ये था बेटा आपका एंटरप्रेन्योरशिप का, है ना, बुलेटिन अक्टूबर मंथ में। सिर्फ अक्टूबर में ही आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर ये एक पैराग्राफ आया है। मोटा मोटी तौर पे इसमें दिया क्या है सुनना जरा, देखो ध्यान देना, मैं आपको आसान भाषा में बता देता हूँ, 2 सेकंड का काम। चैलेंजेस दिए हैं और उन चैलेंजेस को, ए बेटा इधर ध्यान दे, चैलेंजेस दिए हैं, मैं आपको भेज दूंगा मेरे मुन्ना, मैं भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे बुलेटिन भेज दूंगा, और अगर किसी को नहीं पता है तो एक बार देख लो। ये देखो बेटा, ये गूगल पे गए, गूगल पे जाने के बाद ICSI में गए, ICSI में जाने के बाद स्टूडेंट सेक्शन में गए, और स्टूडेंट सेक्शन में जाने के बाद ये आ गया आपका बुलेटिन। ये देखो स्टूडेंट सेक्शन में गए, स्टूडेंट सेक्शन में जाने के बाद ये आपका आ गया, आ जाएगा बेटा बुलेटिन, एकेडमिक पोर्टल, और ये सीसेट पे क्लिक कर रहा हूं, और ये नीचे आ गए सीसेट के बुलेटिन, यस और नो, क्लियर है? ये सारे बुलेटिन लाइन से दिख रहे हैं। बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट में नया कुछ नहीं है, चैलेंजेस हमने पढ़ लिए हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव किए, बस दो ही मुद्दे हैं खास करके, डन। एक बार आपको चाहिए, काफी बच्चे लिख रहे हैं कि सर ये बुलेटिन एक बार भेज देना, मैं इसमें भेज देता हूं बेटा, डोंट वरी, डन, थैंक यू। ये बुलेटिन भेज दूंगा, डोंट वरी, काफी बच्चे मैसेज कर रहे हैं सर बुलेटिन भेज दो, हाँ 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 दिखेगा दिखेगा, भेज दूंगा बुलेटिन भेज दूंगा बेटा, लो सर आ जाओ, ये लो सर, थैंक यू सर, थैंक यू सोन।
हाँ तो भाइयों बहनों, ईडीबी 63 क्या है यार? मेरे को नहीं पता ईडीबी 63 क्या है भाई। ईडीबी 63, ओके अभी हरीश सर थोड़ी देर के बाद बताएंगे ऐसा वो बोले। लास्ट में जैसे ही मेरा सेशन खत्म होएगा उसके बाद तुमको ईडीबी 63 के ऊपर एक घंटे का ज्ञान देने वाले है ना। चलो अब हम लोग वापस से पढ़ ले जरा करंट अफेयर्स में और क्या क्या चेंजेस थे। और ईडीबी 63 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक ग्रुप नालायको, इसके ऊपर एक घंटे का सेशन लिया है हमने। भूल गए क्या आप लोग बिजनेस एनवायरमेंट टॉपिक में? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, भारत में आप कितनी आसानी से धंधा शुरू कर सकते हो, भारत में आप कितनी आसानी से धंधा चला सकते हो, भारत में आप कितनी आसानी से इंसॉल्वेंसी की केसेस को रिजोल्व कर सकते हो। तो वो जो आसानी है ना, दैट आसानी इज कॉल्ड एज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप सारे टोटल कंट्रीज, जितनी भी कंट्रीज है सारी इकोनॉमीज के अंदर में वो सर्वे करता है, और उसमें भारत का रैंकिंग लगता है 63 नंबर का। बरोबर है क्या? पहले भारत का रैंकिंग था 130, फिर 130, फिर आया 100, फिर 100 से आया 77, और 77 से अभी लेटेस्ट में चल रहा है 63। तो भारत का रैंकिंग उसमें कितना है? 63rd रैंकिंग है ना। धंधा कितनी आसानी से शुरू कर सकते हो, कितनी आसानी से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, कितनी आसानी से लोन मिल जाएगा, कितनी आसानी से जगह मिल जाएगी, कितनी आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मिल जाएगा, कितनी आसानी से फाइनेंस मिल जाएगा, कितनी आसानी, दैट आसानी इज कॉल्ड एज ईज, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स ईडीबी। तो उसमें भारत का रैंकिंग है, टोटल भारत का रैंकिंग है 63rd, सारे देशों में भारत का 63वां नंबर है। काफी देरी से, लेकिन चलेगा, कोई बात नहीं, हम तो गुड डेवलपिंग स्टेज में। थैंक यू। नीचे चैट में हाँ एग्जाम में अब 63 लिखना है रे। 77 नहीं लिखना, अब 63 लिखना है। अब मैं पढ़ा दूँ? हाँ तो भैया आगे देखना। नेक्स्ट देखो, एक बहुत खतरनाक बात तुमको बता रहा हूं। सो हम लोग फार्मर्स बिल के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, ये वाला पॉइंट देखना। द बिल ऑल्सो प्रपोजेस एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। अभी खैर जो छोटी जगहों से है ना, आपने देखा होगा आपके गांव में, शहर में बेसिकली वो मंडी का काम चलता रहता है, जहां पे सब किसान आते हैं, वहां पे सारे ट्रेडर्स आते हैं, फिर वो सब किसान अपना माल डिस्प्ले करते हैं, लोग बोली लगाते हैं, दैट इज हाउ दे सेल देयर फार्म प्रोड्यूस, राइट? वो ऑक्शन होता है उसका। सो अभी गवर्नमेंट क्या प्रपोज कर रही है कि वो सब मंडी वंडी का चक्कर हमको खत्म करना है, और उसको हम लोग को एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट करना, मतलब ऑनलाइन डायरेक्टली आप अपने सारे के सारे फार्म प्रोड्यूस सेल कर सकते हैं। हाँ जी, ओके। मेरे नोट्स नहीं दिख रहे, तो किसके नोट्स दिख रहे हैं आपको? हाँ भैया आगे देखना, ये एक और पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था। फार्मर्स विल बी एबल टू एंगेज इन डायरेक्ट मार्केटिंग, देयर बाय एलिमिनेटिंग इंटरमीडियरीज रिजल्टिंग इन फुलर रियलाइजेशन ऑफ प्राइस। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि बीच के जितने भी बीचवान हैं, इंटरमीडियरीज हैं, सारे के सारे बीचवान, उन्हें हम लोग एलिमिनेट करेंगे, सो दैट फार्मर्स डायरेक्टली अपनी फार्म प्रोड्यूस किसे सेल कर सके? कंज्यूमर्स को, या फिर सरकार को एंड में सेल कर सके। वाई सर लुकिंग एट हरी सर सरकास्टिकली, आई लव हिम रे। चलो आगे देखें। नेक्स्ट, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस है ना। इसको MPA बोलते हैं, इसको मिनिमम प्राइस अश्योरेंस। बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने इसे ऑलरेडी लागू किया है, मतलब MP में तो खैर जो इलेक्शंस में इतना बड़ा फेरबदल हुआ, खैर आप सब लोगों ने पढ़ा होगा उसके बारे में। कमलनाथ बिकेम द चीफ मिनिस्टर, उसके बाद वापस से जब ये क्या बोलते हैं सिंधिया जी, व्हेन ही लेफ्ट द पार्टी, उनके बहुत सारे MLAs जो थे उन्होंने BJP को ज्वाइन कर लिया, खुद सिंधिया ने बेसिकली BJP को ज्वाइन कर लिया, और ज्योतिरादित्य सिंधिया बेसिकली, और उसके बाद पूरा हेरबदल हो गया, वापस से रिलेक्शन हुए उन सारी सीटों के, और फिर BJP emerged as यू नो द पार्टी विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। वहां पर भी सेम, एक जो बहुत बड़ा मुद्दा था ना किसानों का, वो यही था कि प्राइस अश्योरेंस, कि आप कम से कम हमको एक मिनिमम प्राइस बता दो जिसपे आप हमारी सारी फार्म प्रोड्यूस खरीद लेंगे, तो एटलीस्ट फार्मर्स आर रेस्ट अश्योर्ड, उनको पता है कि हमारी फार्म प्रोड्यूस का हमको इतना पैसा मिलने ही वाला है, राइट? और जो इतना बड़ा एक इलेक्शन कैंपेन, जो जिसके बेसिस पे बेसिकली पहले कांग्रेस इलेक्शन जीता और बाद में BJP जीती, वो यही था मिनिमम प्राइस अश्योरेंस। सो
यहां पर आपको कौन सा पॉइंट पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. या सी दिस, इट विल ट्रांसफर द रिस्क ऑफ मार्केट अनप्रिडिक्टेबिलिटी फ्रॉम द फार्मर टू द स्पॉन्सर. ड्यू टू प्राइस डिटर्मिनेशन फार्मर्स विल बी शील्डेड फ्रॉम द राइस एंड फॉल ऑफ मार्केट प्राइसेस. मतलब उनको एक मिनिमम प्राइस गारंटीड है जो उनको मिलने वाला है. ठीक है, बस बाकी इसमें और ऐसा कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जो आपको ध्यान रखना है. ब्राउन बैग आपका. कौन सा बैग? अच्छा, ओ मिस्टर मिटारिया का बैग है. मैच्योर्ड बैग क्या? या द सेम वन. चलो या आगे देखते हैं. नेक्स्ट, अब हम लोग जो अपडेट देखने जा रहे हैं ये अपना लास्ट अपडेट है अक्टूबर महीने का, और उसके बाद आप आजाद. तो जी ये देखते हैं अब हम लोग अक्टूबर का अपडेट. यस, पता है मेरा सर, माय मैसेज इज डिलीटिंग ऑटोमेटिकली. हाउ सर, मैं तो आपके सामने बैठा हूं, मेरे को कैसे पता होगा हाउ? हाँ भैया, सेंट्रल गवर्नमेंट सेट्स अ पैनल टू स्क्रीन फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स फ्रॉम चाइना. थू, सब लोग जल्दी जल्दी से जहां पर भी बैठे हो वर्चुअली थूको फटाफट. हाँ जी, सो जितने भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स अब चाइना से आएंगे, मतलब जो चाइनीज कंपनीज थी, चाइनीज गवर्नमेंट थी, चाइनीज एंटिटीज है जो भारत में इन्वेस्ट करना चाहती है, वो डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर पाएगी. राइट, जैसे पहले सेक्टर्स होते थे, हर सेक्टर में हम लोग कुछ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मंगवाते थे. अब चाइना को लेकर जितने भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भारत में आएंगे वो अप्रूवल रूट से आएंगे, मतलब बिना सरकार की परमिशन के, बिना गवर्नमेंट की परमिशन के अब वो पैसा इंडिया में नहीं आ सकता है. हाँ जी, सो देखो जरा यहां पे कहा गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप अ स्क्रीनिंग पैनल. स्क्रीनिंग पैनल मतलब उसे एप्लीकेशन को वेरीफाई करेंगे टू वेट ऑल द चाइनीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स एंड दोज विच बी कंसिडर्ड नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल कुड बी अप्रूव्ड. मतलब जहां पे उनको ऐसा लगता है कि भाई ये हमें धोखा नहीं देंगे और हमारे साथ मिलकर काम करेंगे, वही प्रपोजल्स अप्रूव होंगे, बाकी सारे के सारे रिजेक्ट. एक बार वापस से थू. चलो भैया आगे देखना. उसके बाद नेक्स्ट इसरो, प्लीज इससे कोई डाउट मुझसे मत पूछना. अच्छा, मार्स का तो खैर आपने, क्या नाम था, मिशन मंगल था ना. हाँ, वो अक्षय कुमार वाली पिक्चर तो आपने देखी होगी, है ना. सो अब बेसिकली मार्स पे अध्ययन करने के बाद अब भारत जाना चाहता है वीनस पर. कब जाएगा? 2025 में. और किसके थ्रू जाएगा? शुक्रयान. सर इसका नाम शुक्रयान ही क्यों है? वीनस को हिंदी में शुक्र ही बोलते हैं ना. वीनस इज शुक्र ना, है ना. तेरे को बचपन में ऐसे ही बोलते थे ना, तेरा शुक्र भारी है. Women will get attracted towards it. बोलते थे शुक्र भारी है. या हरीश सर जब शादी नहीं हुई थी ना तो ऐसे ही बोलते थे हरीश सर को कि हरीश सर का शुक्र भारी है. हाँ भैया, सो वीनस मिशन, उसका जो बेसिकली सैटेलाइट है उसका नाम क्या है? शुक्रयान. और कब जाएंगे हम लोग? 2025 में. और हमारे साथ कौन जाएंगे? फ्रेंच स्पेस एजेंसी के एजेंट्स. कौन जाएंगे? फ्रेंच स्पेस एजेंसी के एजेंट्स. हाँ भैया, के सिवान चेयरमैन ऑफ इसरो, एंड ये प्लीज नाम आप खुद अपने आप से पढ़ लेना, जीन ये ले गाल. बड़ा अजीब सा नाम है, ऐसा लग रहा है मुझे कि बॉडी पार्ट्स हैं सारे के सारे, बट एनीवे जो भी नाम हो, ये चचा बेसिकली इनकी प्रेजिडेंसी में, मतलब इनकी लीडरशिप में हम लोग शुक्रयान भेजेंगे वीनस पर, है ना, वहां की स्टडी करने के लिए. ओके आगे, अभी तो चिराग सर का भी शुक्र भारी है. तेरे को सब पता है, हैं, सब मालूम है तेरे को, साले बदतमीज. तो भैया बस इसमें इतना ही ध्यान रखना. और कब जाएंगे? ये जाएंगे 2025 में, है ना. कब जाएंगे? 2025 में जाएंगे. आगे देखो, चाइना पाकिस्तान री इलेक्टेड टू UNHRC. दो बार, एक बार लेफ्ट में थूकना, एक बार राइट में थूकना, एक चाइना के नाम पे, एक पाकिस्तान के नाम पे, दोनों के दोनों कहां पर? UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल में इलेक्ट हो गए. है ही नहीं पे, चले ह्यूमैनिटेरियन एलिमेंट्स नहीं, लेकिन फिर भी इलेक्ट हो गए. देखो जरा, चाइना वाज री इलेक्टेड एट द UNHRC आफ्टर इट डिफीटेड सऊदी अरेबिया इन द इलेक्शंस टू विन अ सीट बाय द स्मॉलेस्ट मार्जिन विच इज राइट. पाकिस्तान एंड नेपाल हैव ऑल्सो बीन री इलेक्टेड टू द UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल. बस इतना ही पढ़ना. एंड द लास्ट पॉइंट, फाइनली अपना सब कुछ खत्म हो जाएगा. इज NIA,
NIA, अब आप पूछोगे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, NIA इज़ व्हाट, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. सो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है ना, MHA, इन्होंने और 3 नए NIA की ब्रांचेस एस्टैब्लिश किए. क्यों? एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज भारत में प्रिवेंट करने के लिए. सो हम लोगों ने उसके और 3 नए ऑफिसेस एस्टैब्लिश किए. आपको क्या ध्यान रखना है कहाँ कहाँ पर ऑफिसेस एस्टैब्लिश किए. फर्स्ट देखो, इम्फाल, वेरी पॉपुलर फॉर फुटबॉल. सेकेंड चेन्नई, एंड थर्ड रांची. सो इन 3 जगहों पर हमने बेसिकली अपने NIA के एडिशनल ऑफिसेस एस्टैब्लिश किया. काफ़ी है, ये आपकी अक्टूबर के मंथली अपडेट्स थे, है ना. अब जल्दी से फटाफट टू टेक यू थ्रू एवरीथिंग, आप लोगों को क्या क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 7 महीने के मंथली अपडेट्स पढ़ना है. ये सारे नवंबर अटेम्प्ट के लिए. जितने भी प्राणी यहाँ पर अभी जनवरी के लिए ये लेक्चर्स देख रहे हैं, आप लोगों के लिए 2 मंथली अपडेट्स और आएंगे. सर कब आएंगे? जब ICSI देगा तब आ जाएंगे. नवंबर और दिसंबर के एक्स्ट्रा पढ़ने वो अपन लोग बाद में देखेंगे. अभी हम लोग सिर्फ नवंबर एग्जाम के हिसाब से बात करें. इतने मंथली अपडेट्स आपको पढ़ना है. और मैंने आपको बताया कि इसमें जितने भी MCQ क्वेश्चन, सिर्फ करंट अफेयर्स के नहीं, सारे के सारे सब्जेक्ट्स के जितने भी आपको MCQ क्वेश्चन दिए हुए वो सब आपको सॉल्व करने. सर किससे ज्यादा आएगा? मॉड्यूल से ज्यादा आएगा, मंथली अपडेट से ज्यादा आएगा? मैंने आपको पहले बताया मेरा नाम ब्रह्मा जी है, दोनों से आएगा. लेकिन अगर मैं शायद ये पेपर सेट कर रहा होता तो मैं डेफिनेटली करंट अफेयर, मतलब इससे मंथली अपडेट से काफी सारी चीजें पूछता, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल एक्चुअली इग्नोर दिस पार्ट ऑफ रीडिंग थिंग्स फ्रॉम हियर, राइट. सो ये जरूर पढ़ लेना, इट विल गिव यू एन एज इन द एग्जाम्स, ठीक है. और बाकी बस और क्या है, विश ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली, विश ऑल अ वेरी हैप्पी धनतेरस, मे यू हैव अ वेरी लाइटफुल एंड ब्लिसफुल दिवाली, राइट. एंजॉय योर वेकेशंस, और आपके परिवार को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की. भगवान करे आपका नव वर्ष बहुत ही शुभ और मंगलमय हो, और सबसे बड़ा गिफ्ट दिवाली का आपको जो नया वर्ष दे वो आपके CSET का रिजल्ट दे. आप बहुत बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे मार्क्स के साथ अपनी CSET की एग्जाम क्लियर कर ले, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूटिव में मिले. गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर. बच्चों को हरी सर ने 2020 का सबसे बड़ा जोक मारा है. हरी सर का ऐसा पूछ रहा है कि दोनों में से मोटा कौन दिख रहा है. बच्चों अर्ज सुनो ना, एक मिनट ध्यान देना. देखो एग्जीक्यूटिव के अंदर में ना सबसे टफ सब्जेक्ट बच्चों को अकाउंट्स लगता है, क्योंकि CS वालों का अकाउंट्स बैकग्राउंड नहीं है, तो वो अकाउंट्स को मद्देनजर रखते हुए जवाब देना है ना. हाँ अब जवाब दो, दोनों में मोटा कौन है? हम दोनों में से मोटा कौन है, मतलब ये भी कोई क्वेश्चन पूछने का. नहीं नहीं, बच्चे जवाब देंगे ना, विकास सर मोटे है कि नहीं. सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट सेट्स इन द वेस्ट, ये यूनिवर्सल फैक्ट है ना. अकाउंट्स उनको अच्छे से करना है, दोनों में से मोटा कौन है? विकास सर. बेटा अकाउंट्स अच्छे से करना है ना. हाँ मोटा कौन है जल्दी जल्दी लिखो. विकास सर है ना मोटे. हाँ देख बच्चे बोल रहे. हरी सर ना सिर्फ अकाउंट्स पढ़ाते हैं, मैं कंपनी लॉ और सिक्योरिटीज दो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ. तो इसके पास 100 मार्क्स है, मेरे पास 200 मार्क्स है. सोच समझ के बोलना. हाँ एक थू की दो थू, मतलब सिर्फ चाइना या पाकिस्तान. बेटा अकाउंट्स बहुत टफ जाता है बच्चों को, अकाउंट सेमी टफ जाता है, तो मोटा कौन है बता दो अभी. अबे लिखो ना नलायको, मोटा कौन है लिखो लिखो प्लीज लिख देना दिल से यार, दिल से लिखो बच्चों. अरे लिखो ना विकास सर. कैसी बातें कर रहे हो भाई सालो. थैंक यू, आई लव यू बच्चों. आप सब लोग बहुत अच्छे नंबर से पास हो. मतलब कोई इज्जत दी ना तुमको. और विकास के सब्जेक्ट अच्छे से होंगे मेरी गारंटी. नहीं करवाए साल अपन मारेंगे पकड़ के इसको, है ना. ये मोटा है तो क्या हुआ, पढ़ाएगा अच्छे से, मेरी गारंटी. थैंक यू. कैसे लोग हो रहे, थोड़ा सा आदमी ने लालच दिया ना, सब बिगड़, कोई ईमान धर्म नहीं है अपने लोगों का. कसम से तुम सबको ना चाइना भेज देना चाहिए, साले पापी लोग. हट कैसे लिख रहे हो यार. टेस्ट का बोल देता हूँ. अच्छा लास्ट आपका एक सवाल और है, टेस्ट कब होगा? मैं आपके ग्रुप पे मैसेज डाल दूंगा, है ना. अभी कल मैं आपको मैसेज डाल दूंगा प्रॉपर शेड्यूल के साथ, कौन सी डेट पर किस टाइम पर आपका टेस्ट होने वाला है, ठीक है. कल आ जाएगा, उसके लिए प्लीज मेरे को मैसेज करना, झपड़ी झपड़ मारूंगा तुम लोगों को. कल मैसेज आ जाएगा टेस्ट का कब है, ठीक है. चलो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय.